अनंत संवर्मा भुज पूर्ण दिव्य रूप उनका भगवान का नारद जी के हृदय में आ गए। नारद जी के हृदय में आ गया। नारद जी स्वरूप का रसास्वादन करते करते प्रेमानंद समुद्र में निमग्न हो गए। आनंद संप्लवे लीनो न पश्चिम भयम मुने, आनंद संप्लव में मेरा मन लीन हो गया, यह लोक परलोक सब कुछ भूल गया और बस क्षण भर में परंतर ध्यान चलते बने। अब बेचारे बड़े परेशान, फिर ध्यान करने लगे, फिर आंख मीटने लगे, फिर नाक दबाने लगे, प्राणायाम करने लगे। कहा हो तो गया तो गया। बड़े रोए, बड़े बिलबिलाए, तब आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन जन्म निभवान नमान दृष्टि विहारहति, आपके जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे। अरे तो गुरु उपद्रव पैदा क्यों किया आपने? ये यदि जन्म में हमको उस रस के आस्वादन का सौभाग्य नहीं तो आप क्यों प्रकट हुए? अरे बोले इसलिए कि तुम्हारा मन खींचने के लिए, तुम्हारा मन खींचने के लिए। सकल दर्शतम रूपम ए तत् कामाय ते नघ, हे अनघ, जो सकल एक बार तुम्हें अपना स्वरूप का दर्शन कराया है वो तो कामाय ते नघ, तुम्हारी इसमें कामना हो जाए, उत्कट कामना हो जाए। इसलिए बिना रसास्वादन किए कामना कैसे हो? तो उत्कट कामना उत्पन्न करने के लिए एक बार अपने स्वरूप माधुर्य का तुम्हारे हृदय में प्रकट करा दिया। तो इस तरह से जैसे वो मधुप आता है दूर से, सुन दूर से गंध का ग्रहण करके आता है और उस पुष्प का पराग पुष्प का मकरंद रसास्वादन करता है, इस प्रकार की स्थिति। तो सकृत धर सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा तो मन सैव सद्य त्यजे स्मान भवादृक भवंत नो पश्यंत जना जम। ओ भवादृक, श्याम सुंदर कैसे बोलो भवादृक, भवंत नो पश्यंत जना जम, तुम्हारे समान जिसको लोग देखते ऐसे भंवर वैसे ही श्याम सुंदर कृष्ण भवादृक। वो सुमन सैव सद्य त्यजे, जैसे मधुप जो होता है, मधुप मधुप जो है सुमन का, सुमन का, सुमन माने फूल, फूल उत्तम, फूल उत्तम पुष्प, अरविंद मकरंद मालती मल्लिका जाति ज्योतिका आदि दिव्या दिव्य पुष्पों के दिव्य पराग को मकरंद को पान करता है तो चला जाता। इसी तरह से श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन ने अपने मंगलमय मुखचंद्र की सुमधुर अधुर सुधा को, मोहिनी सुधा को पिलाकर सद्य त्यजे स्मान, सद्य तत्काल, यद्यप बात ये नहीं है, असंख्य दिवस पर्यंत भगवान के मुखचंद की सुमधुर अधुर सुधा रस का पान इन्होंने किया है तथा की सब भूल गई, व्याकुलता बसात वो सब भूल गई। और वही आती है बात कि बस तो कल श्लोक नहीं याद था, आज याद हो गया, होता ना, कोयं कृष्ण इति बुदस्यति मतिं यस्तं विकरणे स्पृशन्। निरंतर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मुखचंद्र का सौंदर्य अमृत पान करती है, श्री अंग के अनंत मधुरिमा का लोकोत्तर स्वादन करती है और अपनी सखी ललिता से कहती है, सखी कोयम कृष्ण, ये कृष्ण कौन है, ये कृष्ण कौन है, जस्तन करने स्पृशन, हे तन्वी, जो मेरे कानों के समीप आकर नाम कृष्ण नाम ये मेरे कानों को स्पर्श करता है तो मेरी मति लुप्त हो जाए, मेरे विवेकनी बुद्धि लुप्त हो जाए, विवेक बुद्धि का सत जाने कहां चला जाता है। कोयं कृष्ण इति विदस्यति मतिं जस्तन करणे स्पृशन, कर्ण का स्पर्श करते ही मति को दुदस्त कर देती है, लुप्त कर देता है कृष्ण मेरे कान को स्पर्श करते ही। तो सखी कहते रहा गांधे किमिदम
रागांधे किमिदं सदैव भवति तस्य रसित पीड़ति। हे रागांधे, लोकोत्तर अनुराग से विवेक शून्य हुई हुई राधे, रागांधे राधे किमिदं, ये क्या बात तुम पूछ रही हो, तुम क्या कह रही हो? सदैव भवति तस्य रसित पीड़ति, आप तो सदा सर्वदा ही उनके उपस्थल पर ही क्रिया करती हैं, कि पूछ क्या रही हैं? कौन कृष्ण दुदस्यति मतिम जस्तम विकरण स्पृशन, हे तन्वी, जो करण को स्पर्श करके ही मेरी मति को लुप्त कर देता है, वो कृष्ण कौन है, कहाँ रहता है? रागांधे किमिदम, रागांधे राधे, तुम क्या क्या कह रही? सदैव भवती तस्य उरसित पीड़ति, आप तो सदैव उनके उरस्थल पर क्रिया करती। अरे गंगा जल की पवित्रता कभी गंगा जल से पृथक होती है? आनंद सिंधु की मधुरता कभी आनंद सिंधु से पृथक होती है? अचिंत्य आनंद परमानंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण की माधुर्याधिष्ठा श्री महाशक्ति लक्ष्मी राधा, वो कभी कृष्ण से पृथक होती है? सदैव कृष्ण के उरस्थल पर ही क्रीड़ा करती है, अन्यत्र कहीं नहीं। गंगा जल की पवित्रता सदा गंगा जल के उरस्थल पर क्रीड़ा करती है, आनंद सिंधु की मधुरमा सदा आनंद सिंधु के उरस्थल पर क्रीड़ा करती है। ऐसे आनंद सिंधु श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राधा रानी सदा कृष्ण के उरस्थल पर ही विहार करती है। इस दृष्टि से बोलता रहा बांधे किमिदम सदैव भवती तो स्वर से क्रीड़ति, सदैव उनके और स्थल पर क्रिया करती हूँ, आप क्या पूछ रही? तो राधा रानी कहते हास्यम मा को मोहिते, हे मोहिते ललिते, तू 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 भी मोहाक्रांत है, मोह से आक्रांत है, तू उपहास करती है हमारे। क्या कहती? उपहास करती है मेरा, कहाँ कृष्ण मुझको मिलते? हास्यम मा को मोहिते, वो कहते तो मधुना निस्ता से हस्ते मैं, फिर वो कहती अभी अभी तो मैं तुमको लाई हूँ श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के पास, अभी मैं लाई हूँ तुमको, तुम प्यारी इतनी जल्दी भूल गई? तो कहते सत्यन सत्यम समुद्र गंगन मगा दुन्न भा, सत्यन सत्यम समुद्र गंगन मगा, हे सखी हाँ सत्य सत्य, लेकिन अद्यव दृगंगन मगा, मेरे नयनों के प्रांगण में मदन मोहन श्याम सुंदर आज ही तो आए, मेरे नयनों के प्रांगण में मेरे प्राणनाथ प्रियतम कृष्ण आज ही तो आए। परत विद्युत निभा, जैसे विद्युत विद्युत प्रकाश क्षण भर के लिए आता है और लुप्त हो जाता है, सत्यन सप्तम समुद्र गंगन मगात अद्यैव विद्युत निभा, जैसे विद्युत होती है विद्युत प्रकाश दामिनी का प्रकाश क्षण भर के लिए आता है और लुप्त हो जाता है, जैसे न जाने जन्म जन्मांतरों में जुग जुगांतरों में कल्प कल्प अंतरों में न जाने किस पुण्य से आज ही तो मदन मोहन मेरे नैनों के प्रांगण में पधारे और क्षण भर के लिए अब अंतर्धान हो गए, आपको पता ही। तो ये अवस्था जहाँ सदैव भवती तस्य रसित पीड़ति, और उनको मालूम पड़ता है कि अद्यैव विद्युन्न भव, वही मेरे नैनों के प्रांगण में मेरे प्रियतम पधारे हैं, तो वो भी विद्युत प्रकाश के समान क्षण भर में अंतर्धान हो गए चले गए। तो इसलिए फिर अनंत काल भी उनके मुखचंद्र की सुमधुर अभर सुधा रस का पान करें, तो भी सकल अभर सुधा स्वाम मोहिनी पाईतवा, सकल एक ही बार तो जीवन में जिन जन्म जन्मांतर में जो शुभांतर में कल्प कल्पांतर में एक ही बार तो अपने मुखदंड की सुमधुर अभर सुधा को छलात बलात पिला दिया, और पिला करके सद्य आसमान तत्जे सद्य तत्काल हमको छोड़ दिया, तत्काल हम लोगों को छोड़ दिया, माने छल से बल से हमको अपने वश में कर लिया, हमारी ना इच्छा होने पर भी मधुर सुधर सुमधुर अभर सुधारस को पिला दिया, और दुरंत लालसा उत्पन्न कर दिया, दुरंत लालसा पैदा करके स्वयं अंतर्धान हो गए चलते बने, दुरंत लालसा पैदा करके चलते बने।
क्या सकी हम सुमनस हैं और वो दुर्मना। सुमनस का दो अर्थ है, सुमनस का एक अर्थ फूल है, सुमनस का एक अर्थ है फूल और सुमनस का एक अर्थ है शोभनम मनः यस्य सः सुमनसः, जिसका नंबर हो उसको सुमनस कहते। विद्वानों को पंडितों को सुमनस कहते, देवताओं को सुमनस कहते, देवता सुमनस है, विद्वान का नाम सुमनस है। राधा रानी कहती हम लोग तो भोली भाली सुमनस, सुंदर मन वाली, कृष्ण के प्रति अच्छी भावना रखने वाली, छल कपट की बात नहीं जानती, छल कपट की बात नहीं जानती, तेजी सरल कृष्ण के प्रति उत्तम भावना रखने वाली, पर हमारे साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, इसलिए उनका नाम क्या ले, नाम भी नहीं लेना। सुमनस एव सब नाम ने सुमनस एव शब्द तत्मान, सुमनस के तुल्य जैसे तुम, जैसे तुम भवादृत मधुक भमरा, जैसे मधुकर जो है वो सुमनस को त्याग करके चला जाता है, जैसे हम सुमना सुमना हम गोपांगनाओं को सद्य तत्काल त्याग करके स्वविषयिणी उत्कट दुरंत लालसा उत्पन्न करके और सद्य तत्व जे सद्य छोड़ दिया। अब यहां एक बात और कहना इनको अभीष्ट है, वो ये कहना अभीष्ट है कि सखी मधुक बिचारे का तो कोई दोष नहीं, भावरे का तो कोई दोष नहीं, तो जो बिचारा भूखा है ना, मधुक तो भूखा, तो एक फूल पर गया मकरंद स्पान करने के लिए, मकरंद स्पान किया, अब पेट नहीं भरा तो उस फूल को छोड़कर दूसरे फूल पर चला गए, वहां मकरंद स्पान किया उसमें भी नहीं पेट भरा तो और तीसरी जगह चला गए, मकरंद स्पान किया तो मधुक बेचारा तो भूखा, अपने पेट की आग बुझाने के लिए भले सौ फूलों पर जाए, सौ फूलों का मकरंद स्पान करे तो क्षुधा से पीड़ित होकर, क्षुधा से पीड़ित होकर, क्षुधा से अशांत होकर अपनी पिपासा और क्षुधा को दूर करने के लिए अनेक पुष्पों का अवलंबन करता है, वो निर्दोष, लेकिन श्याम सुंदर निर्दोष नहीं है, ये महुपति निर्दोष नहीं है। क्यों? इनका तो अधर में ही सुधा है, जिसके अधर में सुधा वो भूखा रहता है क्या? जिसके अधर में सुधा वो भूखा, जिसके अधर में सुधा वो प्यासा है क्या? इनको भूख प्यास कुछ नहीं, ये केवल सुखियों को दुख देने के लिए ये उन उन कमलों पर जाते हैं, ये केवल प्रशांत आत्माओं को, सुमनस लोगों को, सुंदर मन वाली जो गोपांगना शुद्ध भाव वाली परमानुरागिणी, सुमनस शोभन मनस्का गोपांगना परमानुरागिणी, उनको केवल दुख देने के लिए इन्होंने अपने मुखचंद्र की सुमधुर अदर सुधारस पिलाई, इनको कोई भूख नहीं, इनको कोई पिपासा नहीं, क्योंकि इनके तो अधर ही में सुधा, तो जिसके अधर में ही सुधा है उसको पिपासा और सुधा की कोई प्रश्न नहीं, इसलिए भवर का कोई दोष नहीं पर इनका दोष है। इसलिए मधुप तू भोले भाले, तू ऐसी कपटी का संग मत कर, तू इनका मित्र मन में मत बन, तेरा भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये बड़े वंचक हैं, मधुप तू भी इनका संग छोड़ दे, हम लोग भी छोड़ने का इंतजाम कर रहे हैं, हम भी छोड़ देंगे और तू भी छोड़ दे, हमारी राय मान ले। सुमन सैव सद्य तत्जे स्मान भवादृक, भाई ये सब बातें ऊंची दृष्टि से देखो, लौकिक दृष्टि से बिल्कुल मत देखो। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु और उनके भक्त परम भक्त अंतरंग भक्त वही गोपांगना, ब्रज सीमंतनी जन गोपांगना अनन्य, तो भगवान वही जिस पर अनुग्रह करते हैं, जिस पर अनुग्रह करते हैं जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुण्य से प्रसन्न होकर के, उसको
इतना बरसते हैं, इतना बरसते हैं, इतना बरसते हैं आनंदामृत, आधा आनंदामृत की वर्षा इतनी करते हैं कि वो पागल होते हैं। उस प्रेम को संभाल नहीं सकता, संभालना मुश्किल लगे। तो उसी प्रेमोन्माद में, प्रेमोन्माद में वो सब इस प्रकार का एक प्रलाप, प्रलाप प्रजल्प, प्रजल्प प्रलाप चित्रजल्प इस प्रकार का करता है। और भगवान के उस स्वभाव को याद दिलाता है कि भगवान कोई बहुत धन, बहुत विद्या, बहुत बल, बड़ा ऐश्वर्य, बड़ा धन, बड़ा सौंदर्य की अपेक्षा नहीं करते। जिधर वो ढूंढ जाए उनकी वो कृपा, वासुदेव भगवती कृपा जिधर वो प्रकट हो जाए, फिर वहां गुण उन कुछ नहीं थे। तभी तो गुरु से गोधन हम कृतई स्तुति सतहिर मऊ मौनम विधत् से सताम गोपाल अजर कर्द में विहर से विप्राद भरे लज्ज से। इन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए मानव बहुत कहता है, हाँ राधा रानी वृषभानु नंदिनी धन्य धन्य हो तुम, ठीक है आप परामर्श अच्छा दे रही हैं, पर आपको मालूम है वो लक्ष्मी जो है पद्मा, वो सुनते हैं कि सदाई कृष्णचंद्र के पादारविंद की आराधना करती रहती। आप लोगों ने वर्णन किया था पहले, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र ही, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज। ब्रज जो है हे श्याम सुंदर, आपके जन्म से अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है। अधिकम अधिकम यथा स्यात्, अधिकम माने वैकुंठादेरपि, किसकी अपेक्षा अधिकम, वैकुंठादेरपि वैकुंठ से भी अत्यधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है ब्रज। क्यों? हेतु श्रयते इंदिरा, यहां इंदिरा श्रयते कर्तर प्रत्यय, वैकुंठे तु श्रीयते, वैकुंठे तु श्रीयते, वैकुंठ में सेव्या है, वैकुंठ में इंदिरा जो है लक्ष्मी सेव्य, क्योंकि वहां के वैकुंठ की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी वैकुंठ की महारानी है। वैकुंठ के हरेक लोग इंदिरा की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। तो जो वैकुंठ धाम की पूज्या सेव्या आराध्या वही ब्रजेश्रयते सेवते सेविका इत्यादि, वही ब्रज में सेविका बनी हुई, दासी बनी हुई, ब्रज में झाड़ू लगाती। इंदिरा लक्ष्मी ब्रज में श्रयते, तो आपने इंदिरा को सलाह देना था हा? लक्ष्मी को श्रयते इंदिरा, वो काहे को इनके पादारविंद के आराधना में निरंतर संलग्न रहती है, वो पगली हो रही है। लिखा है यस्या सुवीक्षण कृते निस्वर प्रयास तद्वत भयंच तव पाद रज प्रपन्ना, वो त्रीज पदम रज चक्रे तुलस्या लब्ध्वापि बक्षस पदं किल भ्रष्ट जुष्ट। श्री जो है लक्ष्मी ये पाद पंकज रजस चकमे, भगवान के मंगलमय पाद अरविंद रज को लालायित रहती, पादारविंद रज को पाने के लिए लालायित रहती है इंदिरा लक्ष्मी। यद्यपि लब्ध्वापि बक्षसि पदम किल भ्रष्ट जुष्टम, भगवान ने कृपा करके उसको अपने उरस्थल में निवास दे दिया, भगवान के उरस्थल में लक्ष्मी का निवास है। तो जिस लक्ष्मी को उस भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु के उरस्थल में, सर्वस्थल में निवास मिल गया है, अब वो उस उरस्थल के निस्वप्न स्थान को पा करके पादारविंद में तो उसकी सपत्नी रहती है, सौत रहती है, पादारविंद में सौत रहती है लक्ष्मी की। कौन सौत? तुलसी, तुलसी सौत। भगवान की जो बनमाला है ना, आपाद लंबिनी माला बनमाला, बनमाला भगवान की कंठ पांव तक रहती है,
अपाद लग, दौड़ना थोड़ा ना कोई भगवान को जो दौड़ने में बाधा पड़ेगी। अरे गरुड़ आए गरुड़ पे चढ़ के चल पड़े, अथवा संकल्प किया अपने आप पहुंच गए, दौड़ना क्या। तो अपाद लम्बिनी माला पादार बिंद पर्यंत लंबायमान माला बनमाला, तो बनमाला के अग्रभाग में तुलसी का गुच्छा, वो तुलसी का गुच्छा भगवान के दोनों चरणार बिंद को आच्छादित करके। अब लक्ष्मी आएगी तो वही तो आएगी, कहा आएगी। जन पाद पंकज चकमे तुलस्या लब्ध्वा बक्षसि पदं कल वृत्त दुष्टम। कहते बक्षस्थल में भगवान के बक्षस्थल में लक्ष्मी निवास पा करके भी भगवान के पादार बिंद रज को चाहती है। बोले पादार भगवान का बक्षस्थल पे निवास स्थान मिल गया, लेकिन तो भी हमको तो पादार बिंद का रज चाहिए। बोले रज रज लेने जाओगी तो वहां तो तुम्हारी सौत बैठी है, तुलसी है, तुलसी। बोले तो कुछ भी हो रज तो लेना ही है, सपत्नी हो तो भी क्या जाती। लब्ध्वा बक्षसि पदम, बक्षस्थल में निवास स्थान पा करके ही सपत्न्या तुलस्या सार्धम पादाम्बुजरजश्चक में तुलसी के साथ भी रह करके भगवान के पादाम्बुज रज को चाहती। कौन लक्ष्मी ऋग्वजस्या स्वीक्षण करते न स्वर प्रयास। बड़े बड़े देवासुदेव लालसा करते रहते हैं कि भगवती लक्ष्मी एक बार कृपा भरी दृष्टि से निहार दे, लक्ष्मी एक बार अनुग्रह भरी दृष्टि से निहार दे, तो प्राणी निहाल हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। जिस लक्ष्मी के एक बार सुवीक्षण के लिए दूसरे लोग लालायित रह गए हैं, वो लक्ष्मी सपत्नी तुलसी के साथ भी रहकर उन भगवान के पादाम्बुज रज को चाहती है, कामना करती है। शास्त्री सुवास अरविंद, शास्त्री सुवास अरविंद बनम विहाय जत्पाद पंकज मलम भजते निरक्ता। ब्रह्मादेव बहुतिथम, ब्रह्मादो बहुतिथम जदपांग जदपांग मोक्ष कामास्तपस्समचरंत भगवत प्रपन्ना। ब्रह्मादो बहुतिथम जदपांग मोक्ष कामास्तपस्समचरन, ब्रह्मादि बड़े बड़े देवाधिदेव बहुतिथम बहुत काल पर्यंत, एक दिन दो दिन नहीं। ब्रह्मादो बहुतिथम जदपांग मोक्ष कामाः, भगवती मां लक्ष्मी अनंत ब्रह्मांड जननी भगवान के ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी भगवती एक बार हमारी ओर अपांग मोक्ष कर दे, मैंने कृपा कटाक्ष को एक बार हमारी ओर कर दे। ब्रह्मादेव बहुतिथं जदपांग मोक्ष कामा तपस्समचरण, तप करते, तप करते हैं ब्रह्मादि बड़े बड़े देवाधिदेव, बहुकाल पर्यंत तपस्या करते हैं, इसलिए कि लक्ष्मी भगवती एक बार अनुग्रह की कृपा कटाक्ष हमारी ओर निहार ले। साश्री लोही लक्ष्मी सुबास अरविंद बनम विहाय, अरविंद बन में रहती है, कहा रहती है लक्ष्मी, अरविंद बन, कमल बन में, कमलों का जहां बन है, बन कमलों, बड़े अच्छे अच्छे कमल फूले, अच्छे अच्छे कमल जहां फूले हैं, वो सुबास अरविंद बनम विहाय, वो अरविंद बन जो सुबास स्थान है उसको त्याग करके सासरी सुबास अरविंद बनम विहाय जब पाद पंकज मलम भजते नुरक्ता, भगवान के पादारविंद रज को भजती है, परमानुरागिणी होकर। तो मधु कहता है भगवती उनको समझाओ, लक्ष्मी को समझाओ, हमको तो समझा रही हो तुम ठीक ही, पर जरा उनको समझाओ, तुम्हारे साथ की है सुबर्गी परमा प्रीति, पहले अपने घर के लोगों को समझा लो फिर हमको समझाना, ये मानो मधु कहता है। तो सोचने लगी हाँ बात तो है, क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गए राधा रानी, क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गए, पर अंतर्मुख होकर सोचा तो बोली हाँ क्या करें, बतरत चेता परिचरच कसन तत्पाद पद्मन्नु पद्मा। हाँ बात ठीक है, परिचरच कसन तत्पाद पद्मन्तु पद्मा, पद्मा जो लक्ष्मी है
लक्ष्मी कमलालया है, पद्मा क्या है, पद्मा पद्मालया, लक्ष्मी पद्मालया पद्म, कथन तत्पाद पद्मंत पद्मा, पद्मा जो है कमला लक्ष्मी, वो भगवान के पाद पद्म का परिचर्या करती रहती, सेवा करती रहती। शेष साई भगवान का ध्यान करो तो शेष साई भगवान तो अपना नींद ले रहे हैं शेष सैया पर, तो लक्ष्मी बैठी हुई पाद संवाहन कर रही, पाद संवाहन कर रही है लक्ष्मी बैठी। नारद आदि कुछ वीणा वादन करते हुए गुणगान कर रहे हैं, लक्ष्मी पाद संवाहन कर रही है। इतना निरंतर पाद संवाहन में लगी हुई पद्मा लक्ष्मी कथन तत्पाद पद्मं परिचरति, भगवान के पादार बिंद की परिचर्या कैसे करते। मुझे हिपिबत हत चेता उत्तम श्लोक जलपई ही, क्या करे बिचारी के चित्त को इन्होंने ठग लिया। मीठी 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 बातों से, मीठी मीठी बातों से बिचारी लक्ष्मी के मन को इन्होंने हरण कर लिया, इसलिए बिचारी विवेकहीन हो गई। विवेकवान तो मन होता है, विवेकवान तो मन होता है, जब इन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों से उसके मन को हरण कर लिया, बिचारी में विवेक कहाँ रह गया। हमसे भी तो यही कहा था, न पारे हम निरवद्ध संजुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा, हे गोपांगनाओ तुम्हारे जो लोकोत्तर प्रेम है, जो तुम्हारी लोकोत्तर अनुरक्ति है प्रीति है, तुम्हारा जो लोकोत्तर त्याग है उसका बदला हम कोट कोट जन्मों में भी पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रेम पर हम जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे ऋणी रहेंगे। कितनी मीठी बात थी, अगर वैसे ही पालन भी करते तब कितनी अच्छी बात थी, पर ऐसी ऐसी बातें की और चले गए मथुरा। कोई उनको अपनी बातों का ध्यान नहीं, ऐसे ही जैसे हम जैसे उनके मीठे वचनों से ठगे गए, इसी तरह से अपिबत हृत चेता, हृत चेता पद्मा, पद्मा का चित्त जो है, लक्ष्मी का जो चित्त है विवेकी मन, वो विवेकी मन उत्तम श्लोक जो भगवान कृष्ण हैं उनके जो जल्प हैं, माने मीठे मीठे वचन हैं, मीठे मीठे वचनों द्वारा उसका मन बिचारी का विवेकी मन अपहृत हो गया, इसलिए विवेक शून्य हो गई, इसीलिए उनके पादारविंद की परिचर्या दिन रात करती रहती। हम लोग वैसी अविवेकी नहीं है जैसी पद्मा, अब हम नहीं मानने वाली है इनकी एक बात, तुम हजार विनय करो हजार अनुनय करो तुम्हारी बात हम नहीं सुनने वाली, खबरदार हमारा पाद स्पर्श करना नहीं छूना नहीं। तो कहा सखी आप क्या बोलती हो, आखिर आप उत्तम श्लोक जल पाई, उत्तम श्लोक का अर्थ है जिसका उत्तम है श्लोक माने यश, जिसका श्लोक्यते इति श्लोक श्लोकम यशः, यश जिसका श्लोक्य स्तुत्य, जिसका यश श्लोक्य, संसार भर के प्राणी दिग्दिगंत के प्राणी बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े तपोनिष्ठ बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस बड़े बड़े आचार्य निरंतर जिसका जश गान करते रहते हैं, लक्ष्मी भी जिनके पाद पंकज की सेवा करती रहती है, तुम उनकी निंदा कर रही हो, तुम पर उन पर आक्षेप कर रही हो राधा रानी, क्या ये उचित है। तो बोले अरे मधुक तू समझता नहीं, उत्तम श्लोक उत्तम श्लोको यशो यस, उत्तम श्लोक यश यस, तो मतलब क्या है, जो भाट होते हैं ना भाट बंदी लोग भाट लोग, वो गुण वर्णन करने लगे तो भैंस का ऐसा गुण वर्णन करें कि वाह भैंस तुम्हारे समान दुनिया में कोई सुंदर ही नहीं। तो बंदी बंदी द्वारा जो गुणवान है, सूत मावन द्वारा जो गुणवान है,
वो तो गुणानपेक्ष गुण वर्णन करते हैं, गुणानपेक्ष गुण वर्णन करते हैं, गुण सापेक्ष गुण वर्णन नहीं। किसी में गुण हो तो गुण वर्णन करें, सो बात नहीं। रमणीय राजा, राजा जो है सूर्य के समान चमकता है। सूर्य कहके जुगनों की तरह भी नहीं चमकता राजा, जुगनों की तरह भी जिसमें चमक नहीं उसको कहते रमणीय राज थे राजा। तो जो जुगनों की तरह न चमकने वाले को कहते सूर्य, और तुम चमक रहे हो। तो भैंस को कृष्ण का उपमा दे दें, तुम्हारी वैसी श्यामलता है जैसे कृष्णचंद की श्यामलता है, तो क्या कहना है। तो इस तरह से बन्नी गणों द्वारा, अरे कृष्ण के भक्त ही ना उनका गुणगान करते, कौन गुणगान करते, कृष्ण के भक्त। तो जिसका जो भक्त होता है उसको तो कुछ विवेक होता नहीं, तो आंख मीच कर गुणगान करता है। इस तरह से ये उनके भक्त गण, बंदी गण, सूत गण, मागध गण जो उनसे उनसे वृत्ति पाते हैं, जीविका पाते हैं, वही उनका गुणगान करते रहते हैं। इसलिए वहां कहा श्री मदापतम तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। श्री मदापतम भुविगृणन्ति ते भूरिदा जना। तो किंतु श्रीमदातप, उनका जो कथामृत है उसको दुनिया में किन लोगों ने फैलाया है? श्रीमानों ने फैलाया, श्रीमानों, श्रीमान में धनवान लोगों ने, धनवान लोगों ने अपना दिन काटने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए एक तो धंधा चला रखा, धंधा चला रखा है, चलो भगवान कृष्ण की कथा सुनो भाई, बड़े धर्मात्मा लोग कृष्ण की कथा सुनो। श्रीमदापतम, श्रीमान माने प्रमादी लोग, धनवान प्रमादी, उल्लू के वाहन वो जो उल्लू के वाहन लोग हैं श्रीमान, वही लोगों ने इनकी कथामृत को दिग्दिगंत में फैला रखा है। वास्तव में उनका कथा अमृतम नहीं, कथा अमृतम मरणम, उनकी कथा अमृतम नहीं, अमृत नहीं है, मरणम, कथा अमृतम। कहिए बोले तप्त जीवनम, तप्त कथा हो यथा जीवनम जलम निक्षिप्तम, खूब तपता हुआ पड़ा हो, तवा खूब तप रहा हो और उस पर एक बूंद पानी डाल दो तो क्या होता है। तो तप्त कथा हो यथा जीवनम जलम, तप्त तवा पर जैसे कोई एक बिंदु पानी डाल दे, तो ऐसी तरह से जो उनके विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त हैं और उनका कहीं नाम सुना दिया, उनकी कहीं कथा सुना दिया, तो क्या कर जले पर नौन मत लगाओ भाई, जले पर नौन लगाना, एक जल गए ऊपर नौन लगा दिया। तो ऐसे उनके विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त हैं और उनकी कथा मृत चलाए दो तो थोड़ा और जल भून जाती। इस प्रकार से ये सूतगणों द्वारा, बंदी माघों द्वारा जो वर्णित गुण है वो वस्तुता कोई गुण है नहीं, इसलिए भ्रम में मत रहो। इसलिए उत्तम श्लोक जलपति, ये उत्तम अनुत्तम में भी, अनुत्तम में भी उत्तम श्लोक का वर्णन करते हैं वो लोग, अनुत्तम में भी उत्तम श्लोक का वर्णन करते हैं। तो ऐसे जो उन भक्तों के जल्प हैं, माने भगवान कृष्ण का जल्प नहीं, अनुत्तम लोगों में उत्तम श्लोक वर्णन करने वाले जो लोग हैं बंदी मागध गण, उनका जो जल्प है उनके जल्प से मोहित होकर के हर्षचेता लक्ष्मी उनके पाद पद्म की परिचर्या करती है बिचारी भोली बाली, लेकिन हम वैसे नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, ये भ्रमर गीत है, इसमें वो कांगना और उद्धव का संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने उद्धव को भेजा है गोपांगनाओं के पास, और उद्धव जी गोपांगनाओं के सन्निधान में बैठे हैं। वही एक भ्रमर आ गया है, मधुप आ गया है, और उस मधुप को देख करके राधा रानी वृषभानु नंदिनी अपने हृदय का भाव, जो एक अत्यंत स्नेह का परिणाम, बहुत उच्च कोटि का जो महाभाव
प्रेम की अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था जो महाभाव पद वाच्य है, उससे जनित जो उन्माद विशेष प्रेमोन्माद जिसको कहते हैं, प्रेम का उन्माद, प्रेमोन्माद में कुछ कह रहे हैं। तो इसी के श्लोक की व्याख्या कुछ कल हुई है, थोड़ा और आज होती है। मानो शंका होती है कि भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र अत्यंत निर्दोष हैं और हम भी उनके भक्त हैं, अनुगामी हैं, हम भी निर्दोष हैं, ये आप उनमें ऐसे दोषों का आरोपण क्यों करती? ये तो भ्रमर जाति का स्वभाव है, उसके स्मश्रु पीत होते हैं, इसमें कोई कुमकुम के संसर्ग का कोई प्रसंग नहीं। आप ये सब जो आरोप कर रही हैं किस आधार पर कर रही हैं? अगर कहें प्रत्यक्ष है तो विप्रकृष्ट पदार्थ में प्रत्यक्ष की तो प्रवृत्ति होती नहीं। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन मथुरा में, तुम यहाँ बैठी हो गोकुल में, तो श्याम सुंदर कृष्णचंद्र के दोषों का या उनके अन्य संबंधों का तुम यहां से कैसी कल्पना करती हो? यदि कहो अनुमान करती हैं, तो जैसे धूली पटल में किसी को धूम की भ्रांति होती है, धूली पटल में धूम की भ्रांति से जो बननी का अनुमान करता है वो बननी का अनुमान असंगत होता है, उसी प्रकार से हमारे स्मश्रु की प्रतिमा को देखकर तुम जो कल्पना करती हो कि श्याम सुंदर के मंगलमय उरस्थल में जो बनमाला है, उस बनमाला में उनकी प्रेसी जनों के उरोजों में संलग्न कुंकुम लिप्त हो गया और उसी कुंकुम लिप्त बनमाला को धारण करने के कारण, आग्रहण करने के कारण इस मधुप के भी स्मश्रु में प्रीतिमा आ गई है, कल्पना कर रही हो। वस्तु स्थिति ये है कि हमारी जाति ऐसी है, हमारा स्वभाव ऐसा है, हरेक मधुप जो श्री कृष्ण के बनमाला से संपृक्त नहीं होता, जो कृष्णचंद्र की बनमाला से संपृक्त नहीं होता, उस मधुप का भी स्मश्रु पीत होता है। तो ऐसी स्थिति में स्मश्रु की पीतता को देख करके उसमें कुमकुम संसर्ग की कल्पना करना और कुमकुम बनमाला संसृष्ट है ये कल्पना करना और बनमाला में उनके प्रेसी जनों के उरोज संस्पृष्ट कुमकुम संलग्न हुआ है ये सब कल्पना करना केवल जैसे धूली पटल के आधार पर धूम समझकर और उसके आधार पर बननी का अनुमान करना जैसे असंगत है, ऐसे ये भी असंगत है। देवियों तुम इस प्रकार की कल्पना मत करो। और हम श्री कृष्णचंद्र आपका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, निरंतर मथुरा में आपका ही ध्यान करते रहते हैं, आपका ही चिंतन करते हैं और आपको ही परम मधुर संदेश लेकर के हमें भेजा है, इसलिए आप कृपा करके अपने चरण का स्पर्श करने दो, हम धन्य धन्य हो जाएंगे आपका चरण स्पर्श करने से, इत्यादि मानो अनुनय विनय कर रहा है मधुप। तो उसकी इस बात को सुन करके मानो कहती हैं कि सुस्पष्ट है जो जिसकी वंचना करता है उसके प्रति उसका आक्रोश होना स्वाभाविक, जो जिसकी वंचना करता है वह उसका आक्रोश करता है, उसकी निंदा करता है, उसमें दोषारोपण करता है। तो इस दृष्टि से तो निष्कर्ष ये है कि जो जिसकी वंचना करता है वो उसका आक्रोश करता है। मदन मोहन ने, श्याम सुंदर ने, कृष्णचंद्र ने हम लोगों की वंचना की। बोले तो क्या वंचना की? बोले हमको सुधा पिला दिया, अमृत पिला दिया,
बोले ये क्या बन चला है, अमृत पिला देना है, जो जिसको पानी भी पिला देता है वो भी उसका उपकार मानता है, पानी पिलाने वाले का भी आक्रोश नहीं किया जाता। मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने तुमको सुधा पिलाया, अमृत पिलाया, तो उससे आप क्यों क्षुब्ध होती हैं? अमृत पिलाना तो बड़ी अच्छी चीज, पानी पिलाने वाले का भी आक्रोश नहीं किया जाता तो फिर तुम सुधा पिलाने वाले। श्याम सुंदर मदन मोहन ने तुमको सुधा पिलाया, अमृत पिलाया, तो काहे उससे नाराज होती हो? बोले हाँ, वो सुधा वैसी वैसी सुधा नहीं है, मोहिनी सुधा है, बुद्धि भ्रंश करी सुधा है, बुद्धि को भ्रंश कर देने वाली सुधा है। माने कोई ऐसा मोहक लड्डू, कोई ऐसा तंत्र मंत्र किया हुआ मोहक लड्डू किसी को खिलाए दे तो कोई उसको उपकार मानता है? अरे मोहन लड्डू जिसको खा लेने से प्राणी मोहित हो जाए। कई ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं जहाँ ऐसा तंत्र मंत्र करके मोदक रखे रहते हैं, वो मोदक जिसको खिलाए दे वो पागल हो जाए, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। ऐसी लौंग, लौंग खिलाते हैं कई लोग, लौंग तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित लौंग खिला देने से प्राणी मोहित होकर पागल की तरह पीछे पीछे भटकता है। इस प्रकार से मोहन करने वाला जो, मोहन करने वाली जो वस्तु है वो भले मोदक हो भले सुधा हो, सुधा क्यों न हो, मोहन करने वाली जो सुधा है वो वस्तुतः उपकार नहीं है, अपकारी, अपकारी है। इसलिए श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन ने अपने मंगलमय मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा रस का पान करा करके हम लोगों के मन में एक दुरंत लालसा उत्पन्न कर दी और अत्यंत अभूतपूर्व आसक्ति उत्पन्न कर दी। आसक्ति कृष्ण के स्वरूप में आसक्ति हो गई। आसक्ति वो होती है जिस आसक्ति के हो जाने पर प्राणी निरर्थक हो जाता, किसी काम का नहीं रहता। तो वो सुधा आसक्ति पैदा करने वाली है। कृष्ण के मुखचंद्र में, कृष्ण के मंगलमय पादारविंद में, उनके दामिनी दूत विनिंदक पीताम्बर में, उनके स्वरूप में, उनके गुण में मन को आसक्त कर देने वाला है, मन को तल्लीन कर देने वाला है। तो इस प्रकार की जो सुधा है, जो आसक्ति का जनन करती है, मोहिनी है, उस तंत्र मंत्र की तरह जैसे तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित मोदक किसी को बस में करके और पागल बना देता है, इस प्रकार से मोहिनी सुधा को हमें पिला करके हमें लोक परलोक से वंचित कर और अधर, अधर संबंध से, अधर संबंध से ये हुआ उच्छिष्ट हो गई सुधा। अधर संबंध से सुधा उच्छिष्ट है। तो श्याम सुंदर के मुखचंद्र में, अधरों में वो सुधा रहती है, अधर संपर्क से वो सुधा उच्छिष्ट है। तो उच्छिष्ट सुधा पान करने से जाति भ्रंश होता है, जाति भ्रंश, हम जाति से भ्रष्ट हो गई। श्याम सुंदर के मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधा को पान करके हमारा लोक नष्ट हो गया, हम लोक से जाति भ्रंश हो गया। इस तरह से सुधा के संबंध से लोकोत्तर आसक्ति उत्पन्न कर दी और अधर के संबंध से जाति भ्रंश करके लोक संबंध तोड़ दिया, लोक संबंध टूट गया। अगर कोई साध्वी सती पतिव्रता वैसे देवलोक से कोई सुधा आई हो, किसी किसी कनक पात्र में, कनक पात्र में देवलोक की आई हुई सुधा को पान करे,
तो कोई चिंता की बात नहीं है, निंदा की बात नहीं, परंतु वो सुधा तो श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के मुखचंद्र के अधर में रहती है, अधर की सुधा है। कोई साध्वी सती पतिव्रता किसी पुरुष के अधर में रहने वाली सुधा का पान करे, अधरोष्ठ में रहने वाली सुधा का पान करे तो जाति भ्रष्ट हो जाएगी, जाति भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अधर संबंध की उस सुमधुर मोहिनी अधर सुधा को पिला करके हमारे लोक को नष्ट करो। और सुधा मोहिनी है, मोहिनी होने के कारण हमको विवेक विज्ञान विहीन बना दिया, इसलिए भक्ति ज्ञान से भी हमको वंचित कर दिया। भक्ति और ज्ञान में तो विवेक चाहिए, विवेक बिना भक्ति बनती, विवेक बिना विज्ञान बनता है, सब में विवेक चाहिए। संसार से मन को हटाना, अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर परब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करना विवेक के साथ, और संसार में प्रेम न करके, संसार में आसक्ति न करके सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान में आसक्ति करना, ये विवेक, ये विवेक है। पर मोहिनी सुधा को पान कर लेने से विवेक तो खत्म हो गया। जैसे तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित मोदक को आस्वादन कर लेने से प्राणी विवेकहीन हो जाता है, उसी प्रकार से मोहिनी सुधा का पान करके हम विवेकहीन हो गए। विवेकहीन हो जाने से भक्ति और ज्ञान का भी अधिकार नष्ट हो जाता। अच्छा चलो सब कुछ ठीक हुआ, बोले झूठा खाया किस लिए, मीठे के लिए, मीठे के लिए झूठा खाया, चलो ये सब होने पर भी सब कुछ जिसके लिए त्यागा, जिसके लिए लोकत्याग किया, जिसके लिए भक्ति ज्ञान का भी त्याग किया, जिसका आश्रयण पकड़ा, सब त्याग करके जिसका आश्रयण पकड़ा उसको भी लेकर चले गए, मथुरा चले गए। अर्थात सर्वस्व त्याग करके एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र को अपना सर्वस्व बनाया, और उसमें ही उनमें ही अपना अंतकरण अंतरात्मा और प्राण सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो स्वयं श्याम सुंदर भी हमको छोड़ कर चले गए। इसलिए बोलो वंचक है कि नहीं, वंचना की कि नहीं। अगर वंचना की तो उनका आक्रोश करना क्या अनुचित है, और वो भी अगर मान लिया सब कुछ होने पर भी अति दुर्लभ लोकोत्तर सुधा पान के लिए, अमृत पान के लिए सब का त्याग किया जाए, पर वो अमृत तो मिले, अमृत तो मिले, अमृत भी तो नहीं मिला। सकृद धर सुधान स्वाम, एक ही बार तो वो सुधा एक ही बार तो पान करने को मिली, अधिकाधिक कहाँ मिली। तो क्या हुआ, जैसे एक कोई फूल है, फूल किसी ने फूल को सूंघ लिया, फूल को सूंघ लिया तो फूल तो उच्छिष्ट हो गया, अब किसी देवता के लायक रह गया। फूल को किसी ने सूंघ लिया तब वो देवता के लायक रह गया, किसी महात्मा को अर्पित करने लायक रह गया, नहीं रह गया। तो जैसे एक बार मृदित आघ्रात पुष्प निरर्थक हो जाता, इसी प्रकार से हम साध्वी सती पतिव्रताओं को शोभन मनस्का, शोभन मन वाली गोपांगनाओं को पायित्वा, वो मोहिनी सुधा को सकृत पायित्वा, पायित्वा अणित से यही मतलब कि स्वयं हमारी इच्छा बिना, हमारी इच्छा बिना स्वयं, और उस मोहिनी सुधा का पान करा करके, और एक बार ही पान करा करके तृप्ति भी न हुई, तृप्ति हो जाती तो भी बात, तृप्ति भी न हुई, तो तृप्ति न हुई इतने ही में आसमान सत्य जी बोले, तुमने पर उनको पकड़ा क्यों नहीं, बोले सद्य
सद्यस्तत्यजेस्मा। बोले तुम बताओ, तुम मालती, मालती का नाम सुमनस है। सुमनस नाम तो ऐसे सामान्य पुष्पों का है, पर विशेष नाम सुमनस मालती का, सुमनस मालती का। तो तुम मालती का रसास्वादन करते हो और तत्काल मालती का सौगंध अमृत रसास्वादन करके, मकरंद पान करके, सौगंध का आघ्रण करके तुम चले जाते हो, तुमको कौन पकड़ पाता है, तुमको कौन पकड़ पाता है। इसी प्रकार से मोहिनी सुधा का पान करा करके, मोहित करके मदन मोहन श्याम सुंदर मथुरा चले गए। ये गोपांगनाओं का, विशेषकर राधा रानी वृषभानंदिनी का श्री कृष्ण के प्रति दोषारोप, इसको कहा परजल्प है, जिसमें कृष्ण की अपने प्रियतम की सठता का वर्णन, सठता का वर्णन है, वंचकता का वर्णन है और निर्दयता का वर्णन। सठता, वंचकता और निर्दयता, श्री कृष्ण सठ हैं, श्री कृष्ण वंचक हैं, श्री कृष्ण निर्दय हैं। और अपने विचक्षणत्व का वर्णन, पद्मा लक्ष्मी जो है वो तो भोली भाली, लक्ष्मी पद्मा भोली भाली, वो उत्तम श्लोक जल्पों में मोहित होकर के, हृतचेता होकर निरंतर कृष्ण की आराधना करती रहे। पर हम ऐसी नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए पद्मा का, लक्ष्मी का अचातुर्य बोधन करके, अपने चातुर्य का बोधन करना, चार चीज, अपने प्रियतम की सठता और निर्दयता और वंचकता और अपनी विचक्षणता का वर्णन जिसमें होता है उसको परजल्प। शंका होती है सखी, तो कुछ तुम्हारा ही दोष होगा, कुछ दोष तुम्हारा ही होगा, वो तो बड़े अकारण करुण हैं, करुणा वरुणालय हैं, शरणागत वत्सल हैं, वेद वेदांत इतिहास पुराण सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की लोकोत्तर महिमा प्रतिक्षण दान करते रहते हैं, उनमें तो किसी प्रकार के दोष की कल्पना की नहीं जा सकती, कोई न कोई तुम्हारा ही दोष होगा। किसी प्रकृति सुमन सैव सद्यस्तान भवात्र। बोलो तुम बताओ, मालती, मालती जो सुमनस है, मालती का फूल कैसा है? बोले उसमें लोकोत्तर सौरभ है, अद्भुत सौगंध है और अद्भुत कोमलता है और अद्भुत सुंदरता है और पवित्रता है और सर्वापेक्षा अत्यंत उत्कृष्टता है। ये सब गुण मालती में है। मालती में अद्भुत सौगंध है, लोकोत्तर सौकुमार्य है, दिव्य सौरभ्य, दिव्य सौकुमार्य, सुकुमारता, कोमलता और उसके बीच पवित्रता और दिव्य सुंदरता। एवं गुण गुण संपन्न मालती को तुम उसका रसास्वादन करके छोड़ के चले जाते हो। बोलो मालती में क्या दोष, मालती में क्या दोष, कुछ कह सकते हो? नहीं। तो मालती से भी कोटि कोटि गुणित अधिक राधा रानी ब्रह्मानुनंदिनी, तो मालती से भी कोटि कोटि गुणित लोकोत्तर सौगंध संपन्न है, मालती से भी कोटि कोटि गुणित सौकुमार संपन्न है, मालती से भी कोटि कोटि गुणित उनमें सुंदरता है, मधुरता है, सरसता है, सौकुमार्य है और पवित्रता है, उत्कृष्टता है। मालती क्या होती राधा रानी वृषभानंदिनी के सामने, मालती क्या होती? तो मालती से भी कोटि कोटि गुणित सौकुमार जिनमें है, सौरभ जिनमें है और पवित्रता जिनमें है, उत्कृष्टता जिसमें है, सुंदरता जिसमें है, ऐसी जो सुमनस रूपांगना राधा रानी,
उनको भवादृत तत्व जी भव असमान भवादृत तत्व जी भवंत पश्यंत जना जब तुम्हारे समान जैसे तुम निर्दोष मालती का परित्याग करते हो उसी प्रकार से निर्दोष गोपांगनाओं को सुमनस गोपांगनाओं को शोभन मन वाली लोकोत्तर कल्याण गुण गुण संपन्न मन वाली लोकोत्तर प्रेम वाली लोकोत्तर अनुराग वाली यही मन को शोभन कौन बनाता जिसके मन में सुंदर प्रेम हो उसी का मन सुमन जिसके मन में भगवान के प्रति पूर्ण अनुराग हो उसी का मन शोभन मन दुनिया भर के खुरापात जिसके मन में बैठी हो उसका मन सुमन तो बंदी हो जाए तो इस दृष्टि से ये अवरोध है निरोध इसको कहते निरोध तो निरोध तीन प्रकार का उन्होंने लिखा आसक्ति निरोध प्रेम निरोध पहला होता पहला प्रेम निरोध दूसरा होता आसक्ति निरोध तीसरा होता व्यसन निरोध व्यसन निरोध तीन प्रकार का निरोध प्रेम निरोध आरंभिक भगवान में प्रेम हुआ भगवान में प्रेम होने से मन भगवान में रुकने लगता जिसमें प्रेम होता है उसमें मन रुकने लगता देखो नाना प्रकार के शब्द पर स्वरूप रस गंधादि विषयों का चिंतन करो इतना नहीं अच्छे अच्छे विषयों का संभोग करो दिव्य शब्द दिव्य स्पर्श दिव्य रूप दिव्य गंध मधुर मनोहर पकवान का भक्षण करो दिव्य सौगंध का अभ्रण करो लोकोत्तर रस का आस्वादन करो उत्तमोत्तम नृत्य बाधित्र गीत का माधुर्य अनुभव करो कोई खतरा नहीं खतरा है उसका चिंतन करने उसको चिंतन करो ये खतरा बोले विषयान ध्यायत चित्तम विषय स्वर सज्जते विषयों का चिंतन करते करते प्राणी का मन विषयों में आसक्त होने लगता क्या है एक बड़ा सुंदर श्लोक गीता में है कि जो इंद्रियाणां चरताम जन मनोनुविधीयते तदस्य हृत प्रज्ञाम इंद्रियाणां चरताम इंद्रियां जिस समय चरने लग जाए माने अपने विषयों के सेवन में इंद्रियां लग जाए इंद्रियां विषयों के सेवन में लग जाए इतना खतरा नहीं खतरा उसमें जन मनोनुविधीयते नेत्र द्वारा रूपक ग्रहण हो रहा है और मन उनका इंद्रियों का साथ दे करके उस रूप का चिंतन कर रहा है मधुर मनोहर पकवान का भक्षण रसास्वादन रसना से कर रहे हैं और उनका मन भी चिंतन कर रहा है खूब स्वाद है ये मन जो उसका अनुगमन कर रहा है इंद्रियाणां चरतान जन मनोनुविधीयते विषयों का सेवन करते हुए इंद्रियों का जब मन अनुसरण करता है मन उनका अनुगामी बन जाता है तदस्य हर्त प्रज्ञान वही उस भोक्ता के प्रज्ञा को विवेक बुद्धि को खींच ले विवेक बुद्धि जो है प्रज्ञा भोक्ता की जो विवेक बुद्धि है उस विवेक बुद्धि को विषयों का अनुसंधान करने वाला मन फिर खींच लेता है इसीलिए ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तुपदायते विषयों का सेवन करते करते विषयों का चिंतन करते करते उसमें प्राणी की आसक्ति होने लगती प्रीति होने लगती और संगस्तुपजायते असंगात संजायते काम संग हुआ संग से तो काम पैदा हो जाता उत्कट कामना उत्कट लालसा पैदा हो जाती वो उत्कट कामना उत्कट लालसा प्राणी को प्रवृत्त करते उसको प्राप्त करो भाई और का इंतजाम करो आज तो मोदक मिल गया अब ऐसा प्रयत्न करो कि कल भी मिले परसों भी मिले आज तो ये मधुर मनोहर पकवान आज तो ये मधुर मनोहर खीर पायसान उत्तम उत्तम पदार्थ मिल गया अभी प्रयास करो कि कल भी मिले परसों भी मिले
अब फिर भाई दूध और चावल और चीनी कहाँ तक बटोर बटोर कर धरे, ऐसी चीज बटोर कर धरो कि जैसे दूध और चीनी और चावल सब अपने आप आ जाया करे। तो नोट बटोरो फिर, नोट बटोरो को और क्या करोगे, क्योंकि अलग अलग चावल दाल कहाँ तक बटोरेंगे, उसके लिए तो सीमा है। इसीलिए कम्युनिस्ट कहते हैं लोगों के पास साइकिल हो सकती है, कोट कमीज हो सकती है और कोई उपभोग की चीजें रहे तो कोई खतरा नहीं, पर जो पैसा बटोर कर रखना ही खतरा है। पैसा बटोर कर रखना, जो आदमी कितना कोट कमीज रखेगा, दो जोड़ा, दस जोड़ा, पचास जोड़ा हो गया बस, इससे अधिक क्या रखे, पर नोट तो रख दो, रख सकता है करोड़ों, नोट करोड़ों रख सकता है, इसलिए उसमें संग्रह करके कुछ एक ही नहीं। खाने की चीजों का संग्रह तो सीमित हो सकता है, परंतु ऐसी चीज का संग्रह आजकल होने लगा कि जिसके में खाने की चीज सामान्य चीज बन जाती है। इस तरह से क्या होता है, यही पाप का जड़ बन जाती है, और अनंत संग्रह में प्राणी तन्मय होकर के और अपना सर्वनाश कर देता है और लोग का भी सर्वनाश कर लेता है। इसलिए संग्रह संग्राय से काम, संग से काम पैदा होता है तो काम आप क्रोध भी जाते। अगर काम किसी तरह से प्रतिहत हुआ, जो हमने चाहा और वो न मिला, तो जो उस काम में बाधक हुआ, प्रतिबंधक हुआ, उससे दुश्मनी हो गई, शत्रुता हो गई, क्रोध हो गए। और क्रोधात बोध सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। शास्त्राचार्य उपदेश जन्य संस्कार, शास्त्राचार्य उपदेश जन्य जो संस्कार है, वो संस्कार से होने वाली जो स्मृति है, उस स्मृति में बाधा पड़ने लगती है। फिर जिस समय जिसका जिस शास्त्राचार्य उपदेश संस्कार के अनुसार जो स्मरण होना चाहिए वो स्मरण नहीं होता, जो नहीं स्मरण होना चाहिए उसका स्मरण होता है, विवेक नष्ट हो जाता है, प्राणी नष्ट हो जाता है। इस तरह से ये तो संसार की स्थिति आसक्ति, लेकिन यही आसक्ति भगवान में हो जाए, संसार में विषयों में आसक्ति न होकर भगवान में आसक्ति हो जाए, भगवान के मुखचंद्र का दर्शन करने से, भगवान के पादारविंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन करने से, भगवान के दामिनी दूत विनिंदक पीताम्बर का अनुसंधान करने से, और मन उसका भी अनुसंधान करने लगे, मन उसका अनुसंधान करने लगे तो मन का उसमें अवरोध होने लगता है। जिस वस्तु में काम, जिस वस्तु में प्रेम, उसमें मन का अवरोध होने लगता है, तो जो संसार की वस्तुओं में मन निरुद्ध होता है, अवरुद्ध होता है, उसी प्रकार से सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप में भी मन का निरोध होने लगता है, मन की आसक्ति होने लगती है, तो वो प्रेम निरोध है। जहाँ भगवान के प्रति प्रेम का दुर्भाव हुआ, भगवान के प्रति अनुराग का प्रादुर्भाव हुआ, तहां मन संसार से हट करके भगवान में अवरोध, इस अवरोध का नाम है प्रेम निरोध। प्रेम निरोध ये पुरुषार्थ, ये उनके यहाँ परम पुरुषार्थ है, हरेक आस्तिक के लिए परम पुरुषार्थ की बात है। संसार से मन हट करके भगवान में अवरुद्ध होने लगे, मन वो कहते भाई महाराज भगवान में मन रुकता नहीं, मन भगवान में रुके, ये अच्छी चीज है, रुके रुके कर रुकेगा, जब उसमें प्रेम होगा तब रुकेगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा तब भगवान में मन रुकेगा, जिसमें प्रेम होता है उसी में मन रुकता है, विषयों में प्रेम होता है इसलिए विषयों में मन रुकता है, भगवान में प्रेम नहीं इसलिए भगवान में मन रुकता नहीं, जब भगवान में प्रेम हो जाएगा तो भगवान में मन रुकने लगेगा। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना चाहोगे मन भगवान में रोक सकोगे, इस अवरोध का निरोध का नाम प्रेम निरोध। आगे इसके बाद में इसको मानते हैं वो सत्व, यह सत्व जैसे पहले पहले फूल विकसित होता है, मालती पुष्प विकसित हुआ, कमल पुष्प विकसित हुआ और गुलाब का फूल विकसित हुआ, तो उसका सौगंध फैलने लगती, दिग दिगंत में उसका सौगंध सुगंधी फैलने लगती। ऐसे सत्व का विकास, सत्व गुण का विकास होने से ये प्रेम सत्व का परिणाम है, सत्व का परिणाम ये प्रेम है। वस्तु तत्व का विज्ञान हो, वस्तु तत्व के सौंदर्य का भान हो, प्रेम क्या है, इच्छा विशेष,
कैसी इच्छा विशेष? सौंदर्य ज्ञान जनित, सौंदर्य ज्ञान से जनित जो इच्छा विशेष उसी का नाम प्रेम है ना। हर एक इच्छा का नाम प्रेम नहीं, सौंदर्य ज्ञान जनित। कोई फूल है, बड़ा सुंदर फूल है, फूल की सुंदरता को देख करके मन हुआ है फूल को ले ले। ऐसी सुंदर वस्तु, चाहे सुंदर पुष्प हो, चाहे सुंदर वस्त्र हो, चाहे सुंदर भूषण हो, चाहे सुंदर अलंकार हो, चाहे सुंदर बालक हो, चाहे सुंदर स्त्री हो, चाहे सुंदर पुरुष हो, जो भी सुंदर वस्तु, सुंदर वस्तु हो तो उसके वस्तु सौंदर्य से उस वस्तु में इच्छा हो जाती है, उसी का नाम प्रेम। वस्तु सौंदर्य ज्ञान जनित जो वस्तु प्राप्ति की इच्छा, उसी का नाम प्रेम। तो जैसे संसार की वस्तु की सुंदरता का भान आपके मन में होता है, ऐसे भगवान की सुंदरता का भान, अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान कृष्ण चंद्र परमानंद कन्न मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन, उनकी सुंदरता का भान हो, उनके दिव्य भूषण वसन अलंकारों की मधुरता सुंदरता का प्रतिभान हो, उनके अनंत कल्याण गुण गुणों की सुंदरता का मधुरिमा का भान हो। भान होने से उस सौंदर्य ज्ञान से उनमें प्रेम हो जाएगी, सौंदर्य ज्ञान से उनको पाने की इच्छा हो जाएगी, वही सौंदर्य ज्ञान जनित इच्छा का नाम प्रेम हो गया। प्रेम हो गया भगवान में, श्रीमद् भागवत के यही महिमा, श्रीमद् भागवत भगवान के अनंत कल्याण गुणगणों का बड़े उत्तम ढंग से वर्णन करती है, भगवान के अनंत सुंदरता का बड़े उत्तम ढंग से वर्णन करती है। इसलिए वो उससे सौंदर्य ज्ञान होता है, सौंदर्य ज्ञान से भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाने से मन उनमें आसक्त हो जाता है, मन अवरुद्ध हो जाता है, मन बंदी हो जाता है। ये सद्वरुद्ध विरुद्ध थे भी। इस प्रकार से ये पहला प्रेम तो सत्व का विकास है, और दूसरा है आसक्ति। आसक्ति, आसक्ति को उन्होंने माना है रज का परिणाम। तो देखो, यदि दुनिया में सत्व उत्कृष्ट है, रज निकृष्ट और तम से भी निकृष्ट, कोई आदमी बड़ा दिन रात सोता रहे, मूर्छा में पड़ा रहे, तो मानो तमोगुण का विस्तार है, तमोगुण का अकर्मण्य बना रहे, मूर्छित रहे, मूढ़ रहे, अकर्मण्यता तमोगुण का परिणाम। और कहीं कहीं किसी प्रकार का व्यामोह हो, व्यामोह हो, तृष्णा से चंचलता हो, तृष्णा से तृष्णा तृष्णा जनित चंचलता हो, तृष्णा आदि, वो रज का परिणाम, रज का परिणाम तृष्णा। तृष्णा किसी वस्तु की सामान्य इच्छा, प्रेम किसी वस्तु की तृष्णा हो जाए, अत्यंत उत्कट कामना हो जाए, तृष्णा रूप में आ जाए, तृष्णा प्रेम करो काम करो, तो वो जो तृष्णा जो है राजस। तो दुनिया में तो राजस त्याज्य है, तत्व तो ही ग्राह्य है, राजस त्याज्य है, तो तामस और त्याज्य है, लेकिन स्वभाव विलक्षण हो। यहां भगवान के चरणारविंद के दर्शन की तृष्णा हो जाए तो वो तृष्णा बड़ी प्रशंसनीय है, वो तृष्णा बड़ी प्रशंसनीय है, आदरणीय है। संसार की तृष्णा तो निंदनीय है, पर भगवान के मुखचंद्र के दर्शन की तृष्णा, ये तृष्णा बड़ी प्रशंसनीय है। इसलिए असल में ये रज नहीं है, तम नहीं है, वस्तु स्थिति यह है, जो अलौकिक सृष्टि होती है, लौकिक सृष्टि के हेतु तो सत्व रज तम होते ही, परंतु अलौकिक सृष्टि में कोई होए, भगवान भक्त के लिए कोई लोकोत्तर वस्तु की सृष्टि करें, तो हरेक सृष्टि मात्र में प्रकाश की अपेक्षा है, हलचल की अपेक्षा है, अवस्टम्भ की अपेक्षा है, बिना प्रकाश के कोई सृष्टि नहीं बनेगी, बिना हलचल के कोई सृष्टि नहीं बनेगी, और बिना अवस्टम्भ के रुकावट के कोई सृष्टि नहीं होगी।
लकड़ी से मेज बनाना है, लकड़ी से मेज। जिसको मेज का ज्ञान नहीं, जिसको लकड़ी का ज्ञान नहीं, जिसको बसूला चलाने का ज्ञान नहीं, कैसे मेज बनाएगी? पहले प्रकाश होना चाहिए, और खाली प्रकाश प्रकाश बहुत हो, कुछ करे नहीं, हाथ नहीं उठावे, तो मेज कैसे बन जाएगी? इसलिए ज्ञान हो, प्रकाश के साथ साथ कुछ सक्रियता हो, सक्रिय हो, हाथ में बसूला उठाए और छीलना शुरू करे, तब मेज बनेगी। छीलता ही चला जाए, एकदम रुके कहीं नहीं, तो काट सब खत्म हो जाएगा, मेज नहीं बनेगी। इसलिए प्रकाश भी आवश्यक, हलचल भी आवश्यक, और कहीं रुकावट भी अपेक्षित है, तब कोई कार्य संपन्न होता है। तो जैसे प्राकृत प्रपंच के निर्माण में तीनों चीज जरूरी है, वैसे अगर अप्राकृत भगवान का मंगलमय लोक है, अप्राकृत भगवान का मंगलमय धाम है, अप्राकृत भगवान का मंगलमय स्वरूप है, तो उस अप्राकृत स्वरूप में भी तीनों चीज जरूरी है। अप्राकृत वस्तु का निर्माण करना होगा तो उसमें भी तीनों चीज जरूरी है, इसलिए वो भी वहां सब, वहां भी सत्व होगा, वहां भी रज होगा, वहां भी तम होगा, लेकिन वह अप्राकृत सत्व रज तम होगा। इसलिए विष्णु पुराण में एक वचन है, सत्वादयो न संतीशे जत्र च प्राकृता गुणाः। भगवान में सत्वादि प्राकृत गुण नहीं है, भगवान में सत्वादि प्राकृत गुण नहीं है, अर्थात अप्राकृत सत्वादि हो सकते, अप्राकृत सत्वादि भगवान में हो सकते हैं, प्राकृत सत्वादि नहीं है। इसीलिए आपने देखा भगवान के स्वरूप में, जिस स्वरूप को वर्णन किया है भागवत ने, सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्रैकरस मूर्तयः, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत आनंद स्वरूप है, वही जिनका मूर्ति है, वो बछड़े ग्वाल बाल और बछड़े ब्रह्मा ने हरण कर लिया था ना, श्री कृष्ण भगवान बछड़ों को चरा रहे थे और बीच में एक सरोवर पर बैठ करके सब ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के भोजन करने लगे। भाई ये भोजन कर लो, पंक्ति बड़ी अच्छी लगी हुई थी, पंक्ति सहस्रों सहस्रों की संख्या में गोल ग्वाल बाल थे, मध्य में श्री कृष्णचंद्र भगवान बैठे थे, उनके चारों ओर जैसे चंद्रमा के चारों ओर चकोरों की पंक्ति बैठे ना, चंद्रमा और चारों ओर चकोर, कृष्ण तो चंद्रमा और ग्वाल बाल चकोर, चारों ओर बढ़िया पंक्ति लगी थी, सहस्रों पंक्तियां गोलाकार गोलाकार सहस्रों पंक्तियां थी, भगवान विराजमान थे। इसी किसी किसी ग्वाल बाल को ध्यान आ गया, भैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, बछड़े कहाँ चले गए? कृष्ण ने कहा चाचा हम लाते हैं, पर पंक्ति मत बिगड़े, ये पंक्ति जैसी बैठी है वैसी बैठी रहे, उठोगे तो सब पंक्ति बिगड़ जाएगी, तो हम ढूंढ कर लाते। पंक्ति के सामने भोजन परोसा हुआ है, मक्खन है, दही है, ओदन है, मधुर मनोहर पायसान है, उत्तम उत्तम मोदक है, अपूप है, शस्कुली है, उत्तम उत्तम पदार्थ ग्वाल बाल सब अपने अपने घर से लाए और सब बांट करके आपस तो भोग लग रहा था, बड़े प्रेम से सब रसास्वादन कर रहे थे। तो कृष्ण ने कहा है बीच में पंक्ति बिच्छन न हो, हम लाते। कृष्ण चले गए बछड़ों को ढूंढने, बछड़े मिले नहीं, बछड़े मिले नहीं, लौट कर आए तो पंक्ति की पंक्ति गायब, एक ग्वाल बालों की पंक्ति गायब, एक दो नहीं पंक्ति की पंक्ति सब गायब। तब तो भगवान ने कहा ये क्या करें? तब तो भगवान ने देखा कि तो ग्वाल बाल भी हमारे लुप्त हो गए, बछड़े भी लुप्त हो गए। किसने किया ये तमाशा? बोले ब्रह्मा ने किया। ध्यान में आ गया ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा परीक्षा लेना चाहता है कृष्ण ब्रह्मा है कि नहीं, ग्वाल बालों का जूठा खाने वाला कृष्ण, धूली की खेल खेलने वाला कृष्ण, ये ब्रह्म हो सकता है क्या? ऐसा ब्रह्म है बोधो में वर्णित ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म है? बड़े बड़े लोगों को मोह हो जाता है, इसलिए कहा निर्गुण रूप सुलभवती प्रगुण न जाने कोई, सुगम आगमनाना चरित सुन मुनि मन ब्रह्म हो।
जो भगवान के सुगम अगम नाना चरित्र है, सुगम भी है अगम भी है, तुम मुनि मन भ्रम हो, बड़े बड़े मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है, तुम मुनि मन भ्रम हो। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, तो उस समय जो भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन गए, स्वयं बछड़े बन गए, बाप ग्वाल अपरिगणित ग्वाल बाल अपरिगणित बछड़े, और उनके भूषण भी स्वयं, अलंकार भी स्वयं, बंसी भी स्वयं, श्रृंग भी स्वयं, चीखे भी स्वयं, सब जो कुछ भी था सब अपने आप, सर्वम विष्णुमयं गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो भव, सर्वम विष्णुमयं में जो वाक्य वेदों में है, उपनिषदों में है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये जो वाक्य है इस वाक्य का मानो साकार रूप, ये वाक्य साकार रूप में मानो प्रकट हो गया, उसका अर्थ ही प्रकट हो गया सांगोपांग। लोगों को भ्रम होता था भगवान चेतन है, तो चेतन जीव तो भगवान बन सकते हैं, ठीक है, तो सड़ी हुई लकड़ी भगवान कैसे बनेंगे, सड़ी हुई लकड़ी भगवान कैसे बन जाएंगे, ये तो जड़ है, जड़ भगवान कैसे बन जाएंगे। यानी भ्रांति को निवारण करते हुए भगवान उन बछड़ों के जो रस्सियां गले में पड़ी थी, जो भूषण पर वो भी बन गए थे, तो जड़ भी स्वयं बने, चेतन भी बन, चेतना चेतन, चेतना चेतन, सर्व प्रपंच के रूप में, भूषणों के रूप में, अलंकारों के रूप में, सिक्कियों के रूप में, वंशियों के रूप में, श्रृंगों के रूप में, नाना रूप में, वस्त्रों के रूप में, सब रूप में भगवान प्रकट। तो जब ब्रह्मा ने उनका दर्शन किया तो उस रूप में दर्शन किया, सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्रई करस मूर्तया, एक एक ग्वाल बाल, एक एक बछड़े, साधारण ग्वाल बाल नहीं है, साधारण बछड़े नहीं है, साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा विष्णु रूप में सब हैं, एक एक के सामने चतुर्विंशति तत्व तो खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं, प्रकृति तत्व, महत्त्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्रा, षोड़श विकार, चतुर्विंशत तत्व ही मूर्तिमत भूपासिता, मूर्तिमान होकर चतुर्विंशति तत्व, चौबीसों तत्व मूर्तिमान होकर के एक एक ग्वाल बाल के सामने, एक एक बछड़े के सामने खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं, ये रूप देख करके ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य। तो वहां जो स्वरूप बतलाया उनका, उसी स्वरूप में वर्णन किया, रजस सत्वाभ्याम सृष्टि पालका है, रजस सत्वाभ्याम सृष्टि पालका है, उन एक एक विष्णु स्वरूपों में, ग्वाल बालों में जो नयन थे, नेत्र थे, नेत्र में दो बात थी, एक अरुणिमा थी, एक स्वच्छता थी, नयनों में आंखों में स्वच्छता भी थी और अरुणिमा भी थी, लालिमा और स्वच्छता, तो स्वच्छता क्या था, सत्व गुण था, और लालिमा क्या थी, रजोगुण था, तो जो गुणातीत थे उनमें भी रजो सत्व की कल्पना की, उनके नयनों में स्वच्छता सत्व गुण है, नयनों में जो लालिमा रजोगुण है, क्या उपयोग इसका, बोले सृष्टि पालका, भक्तों के मनोरथ की सृष्टि तो करते हैं रज से, भक्तों के अभीष्ट पदार्थों की सृष्टि, भक्त जिस भक्तों को चाहता है उसका निर्माण, उसकी प्राप्ति, सृष्टि, सृष्टि करते हैं रज से और पालन करते हैं सत्व से, रजस सत्वाभ्याम सृष्टि पालका, जो बच्चे अप्राप्त भक्तों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना रज से, और भक्तों को प्राप्त वस्तु की रक्षा का प्रबंध करना, खतरे में पड़ जाए, मिली हुई चीज छिन्न जाए, दुर्गम वस्तु को पाना एक समस्या, और पाने के बाद उसकी सुरक्षा रहे, वो छिन न जाए, दूसरी समस्या, दोनों समस्याओं को हल करते हैं भगवान, योग क्षेत्र, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम, तो योग क्षेम दोनों का निर्वाह भगवान अपने नयनों की अरुणिमा और स्वच्छता से कर दे, रजस सत्वाभ्याम सृष्टि पालका। तो मतलब हमारा ही कहने का मतलब था कि अपराकृत रूप में भी रज सत्व की कल्पना हुई, इस दृष्टि से ही तामस तामसी का बहुत महत्व मानते हैं बल्लभाचार्य, तामस तामसी, तो तम हुए तो तामस तामसी, सात्विक सात्विकी, राजस राजसी और निर्गुणा, निर्गुणा भी कोई निर्गुणा है और कोई सात्विकी है, कोई राजसी है, कोई तामसी है, और कोई भी सात्विक सात्विकी, सात्विक राजसी, सात्विक तामसी,
और कोई राजस तामसी राजस सात्विकी राजस राजसी और कोई कोई तामस सात्विकी तामस राजसी तामस तामसी ये भेद इन सब भेदों करके उनके बहुत भेद वर्णन किए। तो ये जो आगे चल करके आ सकती हुई और रज का परिणाम जिसमें तृष्णा बढ़ जाती है जिसमें कुछ अत्यंत आसक्ति बढ़ जाती है तो वो आसक्ति से जो निरोध है प्रेम के अनंतर जो आसक्ति पैदा होती है भगवान के प्रति आसक्ति जैसे किसी कामिनी को अपनी प्रियतमा प्रेयसी कामिनी के प्रति आसक्ति जैसे किसी अत्यंत अनुरागिणी अम्मा को अपने प्रिय लाडले लाल में अत्यंत आसक्ति इस प्रकार की आसक्ति भगवान को भगवान के स्वरूप में आसक्ति हो जाए आसक्ति से जो मन संसार से हट करके भगवान में बंदी हो जाए अवरुद्ध हो जाए इस निरोध को आसक्ति निरोध कहते हैं। ये आसक्ति निरोध है। इसके बाद में फिर होता है व्यसन आसक्ति से भी ऊंचा होता है व्यसन व्यसन उसको कहते हैं जो छुड़ाए न छूटे माता कहे तो भी न छूटे पिता कहे तो भी न छूटे गुरु कहे तो भी न छूटे वेद कहे तो भी न छूटे स्वयं चाहे तो भी न छूटे स्वयं रोता है महात्माओं के साथ जाकर प्रार्थना करता है हाथ जोड़ता है महाराज मेरा वो व्यसन छूट जा कृपा करो मेरा व्यसन छूट जा मेरा जीवन नष्ट हो गया इस व्यसन के पीछे ये व्यसन छूट जा प्रतिज्ञा करता आज से आपके सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूँ इसको छोड़ दूंगा। पांचवें दिन देखते फिर उसी व्यसन में लग गया बोले क्या हुआ बोले क्या करें प्रतिज्ञा तो किया पर चली नहीं क्या करें महाराज प्रतिज्ञा चली नहीं। ये व्यसन व्यसन ये व्यसन प्राणी को जैसे संसार का व्यसन ऐसे किसी बड़भागी को भगवान का व्यसन हो जाए किसी बड़भागी को भगवान का व्यसन हो जाए जैसे किसी को सुरापान का व्यसन किसी को दूध खेलने का व्यसन किसी को कामिनी संग्रह का व्यसन ऐसी किसी बड़भागी को किसी सौभाग्यशाली को भगवान के चिंतन करने का व्यसन हो जाए। आशा बसन व्यसन यहति नहीं रघुपति चरित हो ही तह सुनहीं। सनकादिकों को एक व्यसन था आशा बसन थे कपड़ा उपड़ा नहीं रखते थे नंगे रहते थे दिगंबर आशा बसन आशा माने दिशा दिशा ही जिनका बसन है आशा बसन इतने तो त्यागी पर व्यसन यह नहीं ऐसे त्यागियों को एक व्यसन लगा हुआ था तो क्या व्यसन लगा था व्यसन ये लगा था कि रघुपति चरित्र हो तहां सुनही जहाँ रघुपति चरित्र का वर्णन हो वहाँ रघुपति चरित्र का रसास्वादन करने के लिए वो सनकादिक पहुंचा ये उनको व्यसन हनुमान जी को व्यसन है जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्प बारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्ष शांतकम ये हनुमान जी को व्यसन है जहाँ जहाँ राघवेंद्र के परम पवित्र चरित्रामृत का प्रवाह चलता है हनुमान जी पहुंच जाते हैं उसका व्यसन पड़ा है उनको वो रोकने से रुक सकते नहीं। हजार का लड़ाई चल रही थी लड़ाई चल रही थी मेघनाथ का और लक्ष्मण का भीषण संग्राम हो रहा था भीषण संग्राम वीर को भीषण संग्राम के अवसर में वीर रस का सांगोपांग आविर्भाव होता है उस बीच में भी नारद जी ने उनको कुछ कथा सुनाना आरंभ किया भगवान की तो लड़ रहे पहाड़ उठा उठा कर फेंक रहे हैं वृक्ष उठा उठा कर फेंक रहे हैं मेघनाथ पर मेघनाथ के नाकों दम उस अवसर पर पहले सुनते हैं ऋषियों को सब मानते थे ना दैत्य भी दानव भी सब मानते देवता तो किसी दिन नारद जी गए रावण के पास रावण ने कहा महाराज आप सबका काम करते हैं हमारा तो कुछ करते नहीं बोलो भाई क्या है बोलो बताओ बोले जरा सही हनुमान को गाफिल कर दो तो हमारा काम बन जाए ना ये हनुमान को जरा असावधान कर दो बिल्कुल आज लो अभी देखो बताते वो जाकर वीणा बजाते हुए हर गुणगान करने लगे अब ऐसा वो तो रसिक व्यसनी है इसके चरित्रामृत रसास्वादन के व्यसनी है हनुमान जी
उनका कान उधर लगा, वो युद्ध कर रहे उधर कान उधर लग गए, तो धीरे धीरे नारद जी पीछे हटने लगे। नारद जी धीरे धीरे पीछे हटने लगे तो फिर उसके द्वारा आकृष्ट होकर भी थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगे। बस जरा सा असावधानी हुई, मेघनाथ ने मार दिया, शक्ति लग गई, लक्ष्मण गिर गए, लक्ष्मण गिर गए। उठा रहा था मेघनाथ, ध्यान ही क्या, नारद जी महाराज जा रहे हैं, हमारा काम है, तो नारद जी चले गए, नारद जी चले गए। फिर जो है हनुमान जी ने उठाया लक्ष्मण जी को, ले गए जो कुछ भी हुआ। पर कहने का मतलब ऐसे वीर रस के संचार दशा में भी वो व्यसन ऐसा काम करता है कि वो दूसरी ओर प्रवृत्ति कर देता है, ऐसा व्यसन। ऐसे व्यसन भगवान में हो जाए, जैसे दुनिया में लोगों का व्यसन होता है, ऐसे दुनिया में व्यसन न हो करके, सुरापान में व्यसन नहीं, दूतक क्रीड़ा में व्यसन नहीं, वेश्यागमन में व्यसन नहीं, और किसी पदार्थ में व्यसन नहीं, व्यसन हो भगवान का चरित्रामृत रसास्वादन में, भगवान के मुखचंद्र का ध्यान करने में, भगवान के पादार बिंद चंद नखमण चंद्र का ध्यान करने में, ये व्यसन हो तो इस व्यसन से भी मन का निरोध होता है, संसार से मन हटकर भगवान में लुक जाता है, इसका नाम व्यसन निरोध है। इस तीन प्रकार का निरोध होता है तो आसक्ति यद्य भगवान ने भगवान की दृष्टि से जो सुधा पान करा करके आसक्ति उत्पन्न की गई है, असल में तो आसक्ति निरोध का साधन था, जो भगवान के मुखचंद के अगर अमृत का पान करने से अगर सुधा के प्रति आसक्ति हुई, प्रीति हुई, अतिशय उत्कट उत्कंठा हुई, इसके द्वारा उनका मन भगवान के स्वरूप में आसक्त हो गया। ये आसक्ति निरोध भगवान की दृष्टि से तो ऊंची चीज थी, लेकिन ये तो अभी प्रेम और माद में और विफल होकर के उसके दोषानुसंधान करती हुई इस प्रकार की बात कर रही हैं। अब फिर कल फिर बात सुनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। ये चरण को निसार बना देना चाहता है जिससे हम मथुरा जाने लायक न रह जाए, मथुरा जाने देते। कृष्ण सोचते हैं कि कहीं यहाँ राधा रानी आ गई मथुरा में, तो ये जो हमारी रानियां हैं पटरानियां, इनकी कौड़ी कीमत भी नहीं रह जाएगी, रुक्मिणी की क्या कीमत रह जाएगी। उसमें लिखा जिस समय कुरुक्षेत्र में जिस समय ये राधा रानी भगवान कृष्ण के पास पहुंची गई, मिली कृष्ण भगवान ने बड़ा रुक्मिणी को कहा देखो अब वो राधा रानी वृषभान नंदिनी और सब उनकी अंतरंग सखियां ललिता विशाखा अरंग देवी चित्रा आदि आदि सब देवियां आ रही हैं, तुम सब उनका स्वागत करना, सम्मान करना, बड़े आदर। हाँ हाँ महाराज खूब आदर करेंगे। रुक्मणी विशेष करके रुक्मणी तो बहुत ही सुशील, बहुत ही शीतल, उसके मन में तो जरा सा भी कोई भाव आता ही। सत्यभामा तो जरा बड़ी माननी, सत्यभामा सुना नहीं, जब भगवान नारद जी आए हंसते हंसते कल्प वृक्ष का फूल लाए, कल्प वृक्ष का फूल और ला करके दोनों बैठी थी, रुक्मिणी भी बैठी थी, सत्यभामा भी बैठी, तो भगवान को कल्प वृक्ष का फूल दे दिया और स्वयं तमाशा देखने लग गए। कृष्ण ने सोचा भाई बात तो ठीक है, सम्मान तो हम ज्यादा सत्यभामा ही का करते हैं, लेकिन अब ये तो ज्येष्ठ पत्नी है रुक्मिणी और अग्निहोत्र में यही प्रधान है, क्योंकि ज्येष्ठ पत्नी के द्वारा ही अग्निहोत्र होता है, अग्निधान जो है हमारा अग्निहोत्र वो इसी के अधीन, अग्नियों का पूरा शुश्रूषण यही करती है। जब तक वैष्णदेव न हो जाए, जब तक हम न आ जाए, तब तक भोजन लिए बनाए हुए बैठी रहेगी, दोपहर हो तीन पहर हो रात हो बैठी रहेगी। इसको छोड़ करके ये फूल हम सत्यभामा को देंगे, ये बिल्कुल विरुद्ध होगा लोक व्यवहार। इसलिए मन में रहा कि सत्यभामा को ही फूल देना चाहिए, परंतु इस सब भावों के अनुसार उन्होंने रुक्मिणी को पुष्प दे दिया। रुक्मिणी प्रधान थी, ठीक है, रुक्मिणी के मन में कोई बात नहीं, ले लिया। इतने में नारद जी को सत्यभामा के घर पहुंचे, बोले बोलो सत्यभामा, अब कहो तुमको कहती थी कि श्री कृष्ण प्रेयसी सबसे अच्छी हमी है, हाँ देखो तुमको फूल दिया, कितना उत्तम फूल था, हम नंदन बन से लाए थे,
सोचा था कृष्ण को देंगे तो कृष्ण को सत्यभामा को ही देंगे, उन्होंने तुमको कहा दिया, क्या कहना था? तो सत्यभामा नाराज हो गए, कुपित हो गए, कुपित हो गई। भगवान पहुंचे, मान बनाया बनाया, बोले क्या, अरे तुम समझती नहीं, तुम्हारे घर में कल्पवृक्ष लाना है, उनको तो फूल दे दिया, फूल दे दिया, फूल में क्या बात रखी, तुमको अब तुम्हारे घर में कल्पवृक्ष ला कर रखे। सब प्रसन्न हो गई, हाँ महाराज कल्पवृक्ष लाओ। फिर सत्यभामा को गरुड़ पर चढ़ा कर, गरुड़ पर साथ लेकर भगवान इंद्र लोग पहुंचे, और इंद्र को समाचार भेजा, नारद को जाकर नारद कह दो कृष्ण आए हैं, नंदन वन से कल्प वृक्ष दे दो, और नहीं तो संग्राम करो। क्या रहते तो गुस्सा, थोड़ी बहुत लड़ाई उड़ाई भी हुई, अंत में इंद्र ने जो है सो कल्प वृक्ष दे दिया। कल्प वृक्ष लेकर भगवान कृष्ण आए सत्यभामा के घर में, कल्प वृक्ष की स्थापना। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई, बोले हम बड़ी भाग्यशाली है, देखो नारद जी गुरु जी हमसे अधिक कोई दूसरा भाग्यशाली है। बोले हाँ तुम बड़ी भाग्यशाली। तो देख सत्यभामा, अब तू ऐसा कर, इस कल्प वृक्ष को और उसके साथ कृष्ण को दान कर दे, तुझे जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कृष्ण और कल्प वृक्ष तुझको मिलता रहेगा। बोले हाँ ये बहुत अच्छा, दान देने को तैयार। दान गुरु जी कौन दान लेगा? बोले मुझसे अधिक अच्छा ब्राह्मण था, मुझसे अधिक अच्छा ब्राह्मण कौन मिलेगा, मुझको ही दान दे दो। बोले तो कृष्ण को राजी कर लिया, महाराज दान करेंगे। बोले हाँ दान कर दो। कृष्ण को और कल्पवृक्ष को दोनों को दान किया, और नारद जी ने लंबा हेमाद्री का संकल्प पढ़ा जो श्रावणी में पढ़ा जाता है लंबा। इस प्रकार वो संकल्प पढ़ करके दान वन ले लिया। और आमतौर पर होता है कि पत्नी दान की जाती है या पति दान किया जाता है, तो यही होता है कि उसके बदले में कुछ रुपया दे देना, कुछ सोना दे देना, कुछ पैसा दे देना, हो गया दान। और ये थोड़ा उनके पत्नी दे दी जाती है या क्या नाम है, पति दे दिया जाता है, उसके बदले में कुछ दे देते हैं। तो सत्यभामा ने कहा लीजिए महाराज कोई चीज ले लीजिए, उनको दे दीजिए हमको। बोले हमको कोई चीज जरूरत ही नहीं, हम तो इन्हीं को ले जाएंगे, हमको क्या आवश्यकता है, कोई धन की जरूरत नहीं है, ये रहेंगे हमारे कमंडल धोएंगे लेके चलेंगे। अब सत्यभामा घबराने लगी, नहीं गुरु जी ऐसा नहीं, बहुत आग्रह किया। तो उनका अच्छा तो एक काम करो, एक तराजू के पर्डे पे इनको बिठलाओ, एक तराजू के पर्डे पे कुछ रख दो, इनके बराबर कोई चीज हो दे दो। वो भी नारद जी का कुछ कुतूहल ही था। सो बस पे तमाम सत्यभामा ने अपने घर का अच्छा से अच्छा रत्न, अच्छा से अच्छा भूषण, अच्छा से अच्छा अलंकार, उत्तम उत्तम वस्तु ला करके पर्डे पर दूसरे पर्डे पर रखती गई। तो श्री कृष्ण का पल्ला तो भारी उठे ही नहीं हो। नारद जी कहने लगे तो कुछ भी रख दे, तो लोहे रख दे, नहीं सोना हो तेरे पास इतना, इस पल्ले में कृष्ण के बराबर तो कोई चीज दे। परेशान हो गए, इतने कोलाहल बचा तो रुक्मिणी के पास खबर गई। रुक्मिणी आई, क्या हो रहा है? तो कहा दीदी जी इस प्रकार से हमने इनको संकल्प कर दिया, दान कर दिया, अब क्या करें, इनके बराबर कुछ होता ही नहीं। कहा तू कुछ समझती नहीं, दे समझ इसम हटा। एक तुलसी का पत्ता ला इस पत्ते पड़े पदार्थ, तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता रखा, वो पत्ता भारी कृष्ण का पड़ा। तो नारद जी लीजिए महाराज तुलसी का पत्ता। तो इस तरह से रुक्मिणी बड़ी शांत बड़ी गंभीर, उसी को भगवान ने नियुक्त किया राधा रानी का स्वागत करें। तो जिस समय राजा रानी पढ़ाई, राजा रानी की एक दासी गई, दासी की दासी की दासी की दासी, उसका ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा अद्भुत प्रकाश, ऐसा अद्भुत तेज, उसको रुक्मिणी ने समझाई राधा रानी पढ़ा रही है। बड़े प्रेम से उठी और स्वागत। अरे उसने कहा मैं तो राधा रानी नहीं, मैं तो उनकी दासियों की दासियों की दासियों की दासी है। तो अच्छा अच्छा तो ठीक है। तो उसके बाद दूसरी आई, उसको नहीं बोला आपने ये तो जरूर ही राधा रानी होंगी, उसका स्वागत के लिए उठी। तो उसने भी कहा हम दासियों की दासी। फिर तीसरी आई तब भी यही हुआ। अंत में जब राधा रानी आई, सचमुच उनका अनंत प्रकाश, अनंत तेज, अद्भुत वैभव, लोकोत्तर सौंदर्य, अद्भुत माधुर्य, लोकोत्तर करुणा, अद्भुत उनका प्रेम,
अनुराग महाभाव की दशा प्रतिक्षण महाभाव के उन्माद में कृष्ण प्रेम में निमग्न तो राधा रानी का दर्शन करके रुक्मिणी धन्य धन्य हो गई और उनका बड़े प्रेम से सम्मान किया। राधा रानी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया क्योंकि इस समय तो कृष्ण की प्रेयसी यही है, उनका बड़ा आदर किया बड़ा सम्मान किया। वहां पर कहते हैं बतलाया है कि एक दिन भगवान ने कहा देखो जरा वो राधा रानी को दूध दूध पीती है रात को, इसलिए जरा उनके दूध का इंतजाम करना। हाँ ठीक है ठीक है। तो उन्होंने जो है दूध का प्रबंध किया और ले जाकर के स्वयं रुक्मिणी उनको दूध पिलाने के लिए पहुंची तो दूध थोड़ा गर्म था दूध। तो राधा रानी ने सोचा कि ये श्री कृष्ण की सेवा में रहती है हर समय, हम विलम्ब करेंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए गर्म ही दूध उन्होंने पी ली, गर्म दूध पी लिया। राधा रानी वो क्या नाम रुक्मिणी वहां से लौट गई, वहां जाकर भगवान का चरण रोज भगवान का चरण सम्मान करती थी, पांव दबाती थी। तो जिस समय चरण स्पर्श किया कृष्ण ने कहा जरा धीरे से, पांव में छाला पड़ गया। बोले कैसे हुआ, कैसे मारा छाला कहां? अरे बोले तुमने जो गर्म दूध पिलाया था राधा रानी को, हमारा चरण तो उनके हृदय ही में रहता है, हमारा चरण तो राधा रानी के हृदय में ही रहता है, तो गर्म दूध पीने से चरण में छाला पड़ गया। क्या उनकी महिमा, क्या कहना राधा रानी की आनंद। हाँ तो इस तरह से ये सब आख्यान, तो इस प्रकार से ये सब बातें अत्यंत उत्कृष्ट भावना की है और उसी अवस्था में ये भावनाएं व्यक्त होती हैं जहां प्रेमोन्माद की एक लोकोत्तर अवस्था भी व्यक्त होती है। इस दृष्टि से राधा रानी भगवान कृष्ण के प्रति उसी प्रेमोन्माद में इस प्रकार का कुछ उद्गार प्रकट करती है और कहती है कि असल में कृष्ण डरते हैं कि राधा रानी यहां आएंगी तो सब रुक्मिणी आदि का क्या होगा, इसलिए मधुर तुम जाकर के राधा रानी के पांव स्पर्श करने के बहाने से पांव में काट दो। आने लायक न रह जा, ऐसा उनका ये मन में भाव होगा, उसी को लेकर के मधु आया है और ये ऐसा करना चाहता है, इसलिए तू खबरदार मेरा परम मत कृपा कर, दूर से दंडवत कर, तुझे श्रद्धा हो तो दूर से ही कर ले। ये इसी तरह से अन्य अन्य भी अनेक भाव हैं और राधा रानी कहती हैं हे मधुप तुम्हारे श्याम सुंदर तुम्हारे सखा और तुम वस्तुतः जा करके तुम अपने सखा से कर, राधा रानी यहां कभी नहीं आएंगे, त्रिकाल में नहीं आएंगे, तुम निश्चिंत रहो, निश्चिंत होकर अपना जो काम करते हो करते चलो, वो आपके सुख में बाधा डालने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगी, निश्चिंत रहो, ये सब ऐसा कार्य ऐसी क्रियाकलाप मत करो। इस प्रकार से विनोदमय प्रेममय अनेक प्रकार के आलाप राधा रानी कर रही। इसी बीच में एक ये भी भाव है, एक है धनपति सूरी पंडित, बड़े जबरदस्त वेदांती और कृष्ण के अनन्य भक्त, कृष्ण के अनन्य भक्त, उनकी टीका है भाव विभाविका, पंचाध्यायी पर है और यहां भी रवर गीत पर भी, हर जगह तो नहीं, वहां भी नहीं मिलती, वेणु गीत में नहीं मिलती। और तो वो कहते हैं श्रृंगार रस के वर्णन प्रसंग में रसशास्त्रानुसार महर्षि सुखदेव ने इस प्रकार का भाव अभिव्यक्त किया, लेकिन साथ ही अपना जो सिद्धांत है उसका भी प्रतिपादन इसी श्लोक से करते। तब वो काचिन मधुकरण दृष्टवा, काचित माने तत्वमस्यादि रूपा मुख्या श्रुति, काचित माने मुख्या श्रुति, कौन श्रुति, तत्वमस्यादि रूप मुख्या श्रुति, वेदांतों में वेदों में मुख्य श्रुति है तत्वमसी, वो जीवात्मा को बतलाती है तू अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परस्पर परब्रह्म भगवान का ही स्वरूप है। ये तत्वमस्यादि
मिथ्या श्रुति है वो कहती है मधुकरं दृष्ट्वा, मधुकरं माने जीवम, मधुकरो तीत मधुकरः, मधुकरो तीत मधु, मधु माने माने अपने अपने कर्मों द्वारा मधु माने मधुवत, प्रिय जो विषय, प्रिय विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो मनोरम प्रेमास्पद विषय है वही मधु। कहते हैं मधुलवई समयन दुरापई ही, दुराप जो मधुलव है मधु के बिंदु, उनसे अपने तापों को मिटाने की कोशिश करता है जीव, विषयों के सुख बिंदु से, सुखलेश से, विषय जनित सुखलेश से अपने तीनों तापों को मिटाने की असफल चेष्टा जीव करता रहे। असफल चेष्टा कभी सफल होता है? विषयों के द्वारा कोई अपने हर तापों का उपशमन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए जानमाम पुष्पताम वाचम प्रबदंत विपश्चितः, पुष्पिता वाणी माने पुष्पवत बहुशोभमान, फूल की तरह जो बड़ी सुहावनी लगने वाली वाणी, ऐसे विषय जो है शब्द संभोग स्पर्श संभोग रूप संभोग रस संभोग गंध संभोग, ये भी मानो मधु 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 जैसा मीठा लगता हो, ऐसे विषय भी मधु जैसे मीठे लगते, तो अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा मधुवत मनोरम विषयों का निर्माण करने वाला, विषय सुखों की रचना करने वाला जीवात्मा मधुकर है। तो काचन मधुकरं दृष्ट्वा, वो मधुकर को जीव को देख करके, ध्यायन्ते कृष्ण संगमम, वो सोचती है कि अस्य जीवस्य कृष्ण संगमक कथं स्यात्, इस जीव को कृष्ण संगम कैसे हो। पूर्ति क्या चाहती है? जीव का ब्रह्म के साथ संगम हो जाए। निर्गुणवादी कबीर कहते हैं मेरे पिया की सेज सातवें महल में पिया की सेज, पिया की सेज में कैसे पहुंचू। कबीर कहते निर्गुणवादी बाबा जी अपराध पर निर्गुण ब्रह्म भगवान को पिया मानकर उनके सातवें महल में जाने की तैयारी कर रहे, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आदि कोश हैं, ये महल है। इन महलों को पार करो, अन्नमय के भीतर जाओ, प्राणमय के भीतर जाओ, मनोमय के भीतर जाओ, विज्ञानमय के भीतर जाओ, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में पहुंचो। तो उस पिया की सेज में जाने के लिए बेबल, इस तरह से वो श्रुति कहती है कृष्ण संगमम ध्यायन्ति अस्य मधुकरस्य जीवस्य कृष्ण संगम कथं स्यात्, कृष्ण का संगम कैसे हो। कृष्ण माने ब्रह्म, विष्णुवाचक शब्दो नश्च निर्वृत्तिवाचक ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण का अर्थ है अनंत सत्ता, अखंड सत्ता, अनाकार्थ है अनंत आनंद, विशुद्ध आनंद। तो अनंत आनंद और अनंत सत्ता माने स्व प्रकाश परात्पर परम ब्रह्म, उसका इस जीव का संगम समागम अभिन्नता एकता कैसे हो, यही तो तत्त्वमसी बात सोचती रहती। तत्त्वमसी बात के तत्त्वमस्यादि बात के रूपा श्रुति यही सोचती रहती। तो काचन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदम् अब्रवी। समझा ये जीव कौन है? बोले प्रिय प्रस्थापितं, प्रियेन परमात्मना प्रस्थापितं प्रेषितं, परमात्मा ने ही तो इस जीव को संसार में भेजा। हंता हम अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविष्ट नाम रूपी व्याकर वाणी। छंदों की श्रुति कहती है कि परमात्मा सोचता है मैं जीव रूप से, मैं इस जीव रूप से इस तेजो अन्न रूपा जो तीन देवता है, तेजो रूपा देवता, अन्न रूपा देवता, अप रूपा देवता,
तेजोबन रूपा देवता में प्रविष्ट होकर के जीव रूप से प्रविष्ट होकर के सारे विश्व के नाम रूप का व्याकरण करूं। सही तरह से परमात्मा का प्रेषित ये दूत प्रिय प्रस्थापितम दूत कल्पयित्वा, दूत की कल्पना समझा कि इसको तो प्रिय ने भगवान परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने इस जीव को भेजा, तो उसकी कल्पना करके इदम ब्रवीत ये बोली। माने क्या है, जीव परमेश्वर का दूत बनकर आता है, श्रुतियों से वार्तालाप करता है, श्रुतियों से वार्तालाप करता है। श्रुतियां भगवान की नायिका, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान की नायिका उनको बोधन करती है। कोई अन्य पूर्विका, कोई अनन्य पूर्विका, कोई श्रुति अनन्य पूर्विका है, कोई श्रुति अन्य पूर्विका है, जो साक्षात पर ब्रह्म से संबंधित है। सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म, विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां ये अनन्य पूर्विका है। सीधे सीधे कृष्ण के साथ पर ब्रह्म के साथ इनका संबंध। कोई श्रुतियां अग्नियादि देवता का प्रतिपादन करती है, अग्नि वरुण कुबेर इंद्र आदि देवताओं का प्रतिपादन करती है। पहले तात्पर्य विधया, जब विवेचन होता है उपक्रम उपसंहार आदि खड्ग लिंग से विवेचन के बाद ये निश्चित होता है कि सभी श्रुतियों का अखंड संबंध कृष्ण ही के साथ है, इंद्र वरुण कुबेर आदिकों के साथ इनका मुख्य संबंध नहीं। तो अन्य पूर्विका जिनका अन्य संबंध प्रथम विज्ञात होता है, तात्पर्य निर्णय के अनंतर ब्रह्म संबंध विज्ञात होता है, वो अन्य पूर्विका है। और जिनका पहले से ही कृष्ण संबंध ही प्रतीत होता है, अग्नि वरुण कुबेर आदि देवताओं के साथ संबंध प्रतीत ही नहीं होता, वो अनन्य पूर्विका है, सीधे सीधे कृष्ण के साथ जिनका संबंध है। तो दोनों प्रकार की श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों से ही पहले जीवात्मा की बातचीत होती है। श्रुतियों के साथ संबंध जोड़ करके, श्रुतियों के साथ विचार करके, तब परमात्मा स्वरूप स्वात्म स्वरूप का निर्णय करता है। स्वात्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप का निर्णय करके फिर अभेद को, अखंड अनंत अभेद को ठीक ठीक समझता है। इस तरह से काचिन मधुकरण दृष्टवा और ध्यायन्ति कृष्ण संगमम और प्रिय प्रेषितम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदम् अब्रवीत। क्या मधुपकितो बंधो के मधुपो, सदा मधुपान करने वाला मधुपो, माने सदा विषय रस परायण, विषय रस परायण मधुप कौन, जैसे मधुप मद्यपान परायण होता है, मद्यपान परायण मधुप होता है। तू जीव अनादि काल से विषय रस परायण, कृष्ण रस परायणता को भूल गया, ब्रह्म रस परायणता को भूल गया, भक्त रस पान की बात को भूल गया, विषय रस परायण हो गया। तो हे मधुप, तुम मांसपृश विषयों को स्पर्श मत कर, विषयों को स्पर्श मत कर, मोक्ष निच्छस चेतात विषयान विषवत त्यज, चेतात मोक्ष चाहता है, परात्पर परम ब्रह्म को चाहता है, भगवान को चाहता है, कृष्ण से मिलना चाहता है, विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष तुल्य त्याग दे, विष को त्यागता है वैसे विषयों को त्याग दे। मांस प्रश्न मत स्पर्श कर, तो ये तू है तो अखंड सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म स्वरूप, अखंड सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म स्वरूप है, परंतु तू कर्ता भोक्ता सुखी दुखी अनेका रस परिप्लुत होकर के जो भटक रहा है संसार में, किस लिए भटक रहा है, बोले किताव बंधु, तू कितव का बंधु बन गया है, कितव का साथी। कितव कौन है, कितव है चित्त, कितव है चित्त, चित्त ही सट है, कितव है। तो क्या करता है, तेरी ही सत्ता से सत्तावान होकर, तेरी ही स्फूर्ति से स्फूर्तमान होकर, चित्त की अपनी कोई सत्ता है, चित्त की अपनी कोई स्फूर्ति है, कुछ भी नहीं। जो उपासित में कहते हैं चित्त है क्या, बोले सात्मा सर्वगो रामो नित्योदित बकुर महान समनांग मननीन शक्तिम
धत्ते तन्मन उच्चते, जो सर्वगामी आत्मा, सर्वव्यापी आत्मा, अनंत खंड सच्चिदानंद गण व्यापक आत्मा, वही मनास मननी शक्ति को धारण करके मन बन जाता है। तो तेरी सत्ता को, तेरी स्फूर्ति को लेकर के सत्तावान होकर, स्फूर्तिमान होकर और विषयों का प्रलोभन देकर, नाना प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर के, और तुझे संसार दावा नलक, संसार दावा नलक ज्वाला जटिल प्रपंच में तुझे डाल करके और परेशान कर। चित्त जो है संसार के दावा नल ज्वाला माला में, संसार का जो दावा नल है, संसार में कहां आग लग रही है, चारों तरफ संसार में जैसे किसी भयंकर अरण्य में आग लग रही हो, जैसे संसार रूपी वन में आग लग रही, आध्यात्मिक ताप एक तरफ, आध्यात्मिक ताप एक तरफ, आज भौतिक ताप एक तरफ, जरा अखबार पढ़ो तो देखो तो क्या हो रहा है दुनिया में, जरा रेडियो सुनो तो दुनिया में क्या हो रहा है, कि किसी हॉस्पिटल में चले जाओ देखो कितने रोगी क्या करा है रहे, कैसे कैसे परेशानी हो रही, पता चल जाए संसार क्या है। ये तो प्राणी असल में अपनी स्थिति को भूला हुआ है, तो इसलिए संसार दावा नलक ज्वाला माला में तुझसे ही सत्ता स्फूर्ति पा करके, विषय का प्रलोभन दे करके तुझे इस मार ज्वाला माला में डाल दिया है, तू परेशान हो रहा है कितव बंध हो। इसलिए इस कितव को, चित्त को कितव मा स्पर्श, इस कितव का स्पर्श मत, चित्त का संबंध तोड़ दे। अन्योन्याध्यास जो है ना, अंतःकरण और आत्मा का जो अन्योन्याध्यास है वही सर्वानर्थ का मूल है। आत्मा और अंतःकरण का अन्योन्याध्यास टूट जाए, सारे बंधनों से प्राणी एकदम विमुक्त हो जाता है। इस तरह से लंबी राम कहानी है, कल से बताएंगे। श्री राम, जय जय राम। बंधो मास्पृशांघ्रि सपत्न्या उज्ज्वलित माला कुंकुम सचुर्ण बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक। कुछ आध्यात्मिक अर्थ का वर्णन चल रहा था प्रासंगिक, उसका पूरा वर्णन कर लिया जाए तो फिर दूसरा अर्थ किया जाए। तो ये माना गया है कि गोपांगना स्वयं श्रुति रूपा, श्रुति जो है वेद, वेद के मंत्रों की अधिष्ठात्री महाशक्तियां, वेद मंत्र हैं, अपरिगणित हैं, गिनती नहीं, अनंता वै वेदाः, अनंत वेद, 1131 शाखा वेदों की, मानव बुद्धि गम्य, मनुष्य बुद्धि गम्य, परंतु और जो अनंत वेद हैं केवल ईश्वरिक गम्य हैं, या ईश्वर के जो भक्त हैं देवता लोग, देवता की बुद्धि से गम्य। तो इसलिए श्रुतियां माने मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद मंत्रों की, मंत्रों और ब्राह्मणों के जो मंत्र हैं उनकी अधिष्ठात्री महाशक्तियां, वही बोलतियां, और वो अनंत वांगना, और जीव भी अनंत हैं, जीव भी गोपांगना भाव को प्राप्त होते, भगवान की परा प्रकृति जीव, और अपरा प्रकृति अष्टधा प्रकृति, भूमिरापो नलो वायु खन मनोबुद्धिरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा, आठ प्रकृति अपरा प्रकृति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अहं तत्व महत्तत्व अव्यक्त तत्व, ये आठ अपरा प्रकृति हैं, और जीव भूता प्रकृति परा प्रकृति, अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो इत्यादि। तो परा प्रकृति जीव, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, दोनों प्रकृतियों के द्वारा भगवान जगत की सृष्टि, जगत की लीला, जगत की लीला करते हैं। तो परा प्रकृति रूपा जीव भी, जीव प्रकृति भी गोपांगना भाव को प्राप्त करते हैं। जितने
जीव गोपांगना भाव को प्राप्त करते हैं, नहीं जीव मुक्ति को पाते हैं। जो जीव गोपांगना भाव को नहीं प्राप्त होते वो जीव मुक्ति से दूर रहते। गोपांगना भाव माने गोपांगनाओं की तरह तदधीन हो जाना। तदधीन तो है ही है जीव स्वभाव से, लेकिन मूर्खता बस जानता नहीं तदधीनता को, मानता नहीं। स्वाधीनता का नाटक रचता है, हम स्वतंत्र है तो सभी जीव, जैसे हरेक प्रतिबिंब बिंब के परतंत्र, हरेक प्रतिबिंब बिंब के परतंत्र, हरेक तरंग जल के परतंत्र। कोई तरंग नहीं जो जल के परतंत्र न हो, कोई प्रतिबिंब नहीं जो बिंब के परतंत्र न हो। इस तरह से कोई भी जीव ऐसा नहीं, चाहे जीव को प्रतिबिंब रूप मानो तो, जीव को तरंग रूप मानो तो, किसी ढंग से जीव को मानो या घटाकाश की तरह अवच्छेद बाद मान लो तो, हर समय हर दृष्टि से महाकाश के बिना घटाकाश क्या ठहरता है, महासमुद्र के बिना तरंग क्या ठहरता है, बिंब के बिना प्रतिबिंब क्या ठहरता है। तो तदधीन स्थिति प्रवृत्ति मत्त होने के कारण, माने परमात्मा के अधीन ही स्थिति गति प्रवृत्ति जीव की है, समुद्र के अधीन ही स्थिति गति प्रवृत्ति तरंग की है, बिंब के अधीन ही प्रतिबिंब की स्थिति गति प्रवृत्ति है। ऐसे जो जीव भगवान के अधीन ही अपनी स्थिति गति प्रवृत्ति मानता है, सर्वथा भगवान का किंकर, भगवान का दास, भगवान का भक्त, भगवत अधीन अपने को मानता है, वही गोपांगना भाव, वही गोपांगना भाव है। तो सभी जीव ऐसे ही, लेकिन लोग मानते नहीं, भ्रांति से अपने में स्वतंत्रता का आरोप करते। तो जो जीव गोपांगना भाव को प्राप्त होते हैं, भगवत अधीन हो जाते हैं, अपना अपना अंतःकरण मन अंतरात्मा सब कुछ भगवान में अर्पित कर देते हैं, और भगवान के होकर भगवान में तन्मय होकर रहते हैं, उन्हीं जीवों को भगवत पद प्राप्त होता है। इस तरह से परा प्रकृति रूप जीव भी गोपांगना भाव को प्राप्त होते हैं, अपरा प्रकृति के अधिष्ठात्री शक्तियां, अपरा प्रकृति की अधिष्ठात्री शक्तियां वो भी गोपांगना भाव को प्राप्त होती हैं, और श्रुतियों की अधिष्ठात्री महाशक्तियां वो भी गोपांगना भाव को प्राप्त होती हैं, ये सब गोपांगना भाव को प्राप्त होती। इस प्रकार से गोपांगनाओं की संख्या अपार है, तो उनमें सब में एक एक ढंग की अधिष्ठात्री महाशक्तियां, जैसे कि श्रुतियों में मुख्या श्रुति तत्वमस्यादि महावाक्य रूपा है, ठीक सब वेदों का लबोलवाब, सब वेदों का सार, सब वेदों का मंत्र, वेद शीर्ष कहा जाता है, वेद शीर्ष। तो इसलिए कहते हैं वेद, वेद का मस्तक भाग, वेद का बिल्कुल श्रुति भाग, और उसमें भी तत्वमस्यादि उसका विसार है, ये गोपांगना हो। इधर अपरा प्रकृतियों में बुद्धि वृत्तियां, अनंत अनंत बुद्धि वृत्तियां, गोपांगना बुद्धि की वृत्तियां, कितनी वृत्तियां होती गिन सकते हो, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, प्रपंचकार वृत्ति, शब्दाकार वृत्ति, स्पर्शाकार वृत्ति, कितनी वृत्तियां कौन गिनेगा, अनंत वृत्तियां। और अनंत वृत्तियों के साथ गोविंद भी अनंत बनते, जय जय गोपी तय तय कृष्ण, जितनी संख्या में गोपी उतने ही संख्या में कृष्ण बने। अंगना मंगना मंतरे माधवा, माधवम माधवं चांतरेणांगना, हरेक गोपांगना के बीच में माधव है, हरेक माधव के बीच में गोपांगना, दो दो माधवों के बीच में एक एक गोपांगना, और दो दो गोपांगनाओं के मध्य में एक एक माधव। इसलिए माधवम माधवं चांतरेणांगना, अंगना मंगना मंतरे माधव, प्रत्येक गोपांगनाओं के साथ साथ जो है सो गोविंद है, कृष्ण है, और प्रत्येक गोविंद के साथ गोपांगना, गोविंद का गोपांगना का साधारण संबंध है, इसलिए गोविंद नाम पड़ा। गोविंद
गोविंद माँ ने जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनगुरी पर उठाया, 7 दिन तक इंद्र ने वरम कुपित होकर के अखंड वर्षण किया, तो भी भगवान ने उसी महान गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर कनगुरी पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा किया। इंद्र का वरदान हुआ, तब इंद्र ने आकर के गोविंद नाम धरा, कृष्ण का गोविंद नाम। बोले आपके भैया तो इंद्र हैं, अब आप गोविंद बन। इंद्र तो हुए वामन के भाई देवराज इंद्र, और भगवान कृष्ण हुए गोविंद, गवाम इंद्र गोविंद, गौओं का जो इंद्र है वही गोविंद है। गौआ गवाम गोपी नाम, गवांग गोपा नाम गोपी नाम च इंद्र, वो गोविंद जो गौओं का इंद्र, गोपियों का इंद्र, गोपों का इंद्र, वो है गोविंद। तो गोविंद का गोपी जन बल्लभ गोविंद है, गोपी जन बल्लभ गोविंद है, उनका गौओं के साथ गोपांगनाओं के साथ असाधारण संबंध है। देखो ना, हर एक वृत्ति पैदा होती है, वृत्ति के साथ चैतन्य भी रहता है, कहीं वृत्ति बिना चैतन्य के रहती है? वृत्ति के साथ चैतन्य लगा है, केवल वृत्ति तो कुछ ही नहीं, प्रकाशन नहीं कर सकती। घटाकार वृत्ति घट का प्रकाशन नहीं कर सकती, गंधाकार वृत्ति गंध का प्रकाशन नहीं कर सकती, स्पर्शाकार वृत्ति स्पर्श का प्रकाशन नहीं कर सकती, किंतु गंधाकार वृत्ति पर अभिव्यक्त चैतन्य वही गंध का प्रकाशन करता है, शब्दाकार वृत्ति पर अभिव्यक्त चैतन्य वही शब्द का प्रकाशन करता है, ऐसे तत्तदाकाराकारित वृत्तियों पर अभिव्यक्त प्रतिफलित जो अखंड चैतन्य, वो चैतन्य ही तत्तद वस्तुओं का प्रकाशक होता है। तो जहां गोपांगना है तहां गोपेंद्र, गोपांगना जहां जहां है तहां गोपेंद्र, गोपेंद्र गोविंद अवश्य विद्यमान। जहां जहां वृत्ति है वहां वृत्ति अभिव्यक्त वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है, और दो दो वृत्तियों के बीच में एक संधि होती है, दो वृत्तियों के बीच अभी स्पर्शाकार वृत्ति पैदा नहीं हुई, दो वृत्तियों के मध्य, चाहे घटाकार वृत्ति की धारा चलती हो, चाहे शब्द स्पर्शादी वृत्ति की धारा चलती हो, हर एक दो वृत्ति के बीच में संधि रहती है, संधि में शुद्ध ब्रह्म प्रकट होता है। जैसे दीवार है, दीवार दीवार पर कांच लगे हैं, एक कांच, दो कांच, तीन कांच, कांच जड़े हैं या शीशे जड़े हैं, दर्पण जड़े हैं, दीवार पर दर्पण जड़े हैं, और सूर्य नारायण का प्रखर प्रकाश सामने, सूर्य नारायण का प्रखर प्रकाश सामने है, तो प्रकाश सूर्य नारायण का प्रकाश जो है, तो एक तो शीशों पर प्रतिबिंबित हो रहा है, तो सीधे दीवार पर है, एक दीवार पर शीशों से रहित जो दीवार, दो शीशों के बीच की जो संधि है, जो दो कांचों के बीच की संधि, तो दो कांचों पर भी सूर्य नारायण का प्रकाश फैला हुआ है, और दो कांचों के बीच में जो शुद्ध दीवार है, उस दीवार पर भी वो प्रकाश फैला हुआ है, सौरालोक दोनों पर फैला, पर वो कांच पर सौरालोक ज्यादा चमकता है, और दीवार पर दोनों कांचों के बीच की जो संधि है दीवार पर, वहां सामान्य प्रकाश रहता है, सामान्य प्रकाश, विशेष प्रकार, विशेष प्रकाश और सामान्य प्रकाश, दीवार के बीच दो, दीवार पर दो कांचों के संधि में बीच में जो प्रकाश है वो सामान्य प्रकाश, और कांच पर जो प्रकाश है वो विशिष्ट प्रकाश है। जैसे वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य विशिष्ट चैतन्य, और दोनों वृत्तियों के बीच में जो चैतन्य है वो सामान्य चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य, सामान्य चैतन्य ब्रह्म चैतन्य है, विशिष्ट चैतन्य सोपाधिक चैतन्य है। तो हरेक वृत्ति के बीच में जैसे संधि होती है, संधि में शुद्ध प्रकाश व्यक्त होता है, वृत्ति पर अभिव्यक्त चैतन्य की अपेक्षा वृत्ति के बीच में, दोनों वृत्तियों के बीच में शुद्ध चैतन्य की अभिव्यंजना होती है, वही माधव। दो वृत्तियां गोपांगना है, और दो वृत्तियों के बीच में जो है संधि निष्ठ सामान्य चैतन्य, वो गोविंद है। और फिर
एक एक वृत्ति भी दो दो संधि के बीच में है, जैसे दो वृत्ति के बीच में संधि, जैसे दो संधियों के बीच में वृत्ति, इधर संधि बीच में वृत्ति, तो इधर संधि बीच में वृत्ति माने इधर गोविंद बीच में गोपांगना, और ऐसे एक एक संधि भी दो 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 वृत्ति के भीतर है, एक एक संधि भी दो दो वृत्ति के भीतर है, इसलिए दो गोपांगना के बीच में एक गोविंद और दो गोविंद के बीच में एक गोपांगना, यही रासलीला, यही रासलीला। इस रासलीला में साधारण वृत्तियां तो गोपांगना है, और इनमें जो परब्रह्माकाराकार वृत्ति, अखंडाकारा वृत्ति, अखंडाकारा वृत्ति, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न परब्रह्माकाराकार वृत्ति और राधारानी, वो राधारानी है सभी वृत्तियों में प्रधान, सारे माया तत्कार्यात्मक प्रपंच को विधुनन करके अखंड अनंत सच्चिदानंद घन परब्रह्म का स्फुटीकरण करने वाली वो जो है सो वो वृत्ति मुख्य वृत्ति, अथवा यह समझ लो और वृत्तियां हैं बुद्धि है, राधा रानी बुद्धि है, निर्मल प्रज्ञा ब्रह्माकाराकार शुद्ध प्रज्ञा बुद्धि है, तो आओ सब उसकी वृत्तियां हैं और बुद्धि है, इसीलिए माना है। देखो आप ये समझो, ये गोपांगना, ये गोपांगना राधा रानी से भी अधिक त्याग वाली ऐसी गोपांगना है कि जिनको जो कि बड़ी सुंदरी है, राधा रानी जैसी सुंदरी, राधा रानी जैसा ही यौवन, राधा रानी जैसा ही सौंदर्य माधुर्य, राधा रानी जैसा ही भूषण बसन अलंकार, राधा रानी से बिल्कुल न्यून नहीं, अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौरस्य, अनंत सौगंध, दिव्य यौवन, अनंत प्रभाव, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि कृष्ण को सदा ये सख्य भाव से भजती, कांत भाव से कभी भजती नहीं, कृष्ण के प्रति इनके मन में कांत भाव कभी उदित ही नहीं होता, कांत भाव पैदा ही नहीं होता, कृष्ण हमारे कांत हैं, प्राणनाथ हैं, प्रियतम हैं, ये भाव कभी उनके मन में पैदा नहीं होता, वो केवल राधा कृष्ण दोनों की सखी, दोनों की सखी, और उनकी सेवा करना और उनके उनके जो परस्पर प्रेम है उसी परस्पर प्रेम का रसास्वादन करती, इसलिए कई लोग कहते हैं, कई लोग तो निराकार निर्विकार निर्गुण ब्रह्म को भजते हैं, और कई लोग निराकार सच्चिदानंद घन गोविंद को भजते हैं, तो पर एक भक्त कहता है कि हम तो भाई, वो कहते हम तो बंदे तब प्रेम बंधन, बंदे अहो चित्रम बंदे तब प्रेम बंधनम, अहो आश्चर्यम, हम तो निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म की वंदना नहीं करते, सगुण साकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वंदना नहीं करते, किंतु प्रेम बंधन की वंदना करते, बंदे तब प्रेम बंधनम, कैसा वो प्रेम बंधन है, अरे वैसा प्रेम बंधन है जिस प्रेम बंधन में अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों को मुक्ति देने वाला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म जिस बंधन में बंध करके गोपांगनाओं का खिलौना बन गया। जब बद्धम मुक्तिदम मुक्तम ब्रह्म क्रीड़ा मृगी कृतम, जिस बंधन में बंध कर अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों को मुक्ति देने वाला और स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म गोपांगनाओं का क्रीड़ा मृग हो गया, खिलौना हो गया, उस प्रेम बंधन की हम वंदना करते, तो गोपांगनाओं का कृष्ण में कांत भावना नहीं है, ऐसी गोपांगना कम है, ये ठीक है, कांत भाव की भी बहुत सी गोपांगना है, उनकी अनेक भाव है, तो पर सख्य भाव शुद्ध सख्य भाव होती गोपांगना कृष्ण में कांत भाव नहीं रहा, क्या वो तो क्या उनका क्या भाव है, वो कृष्ण और राधा का जो प्रेम बंधन है वो प्रेम बंधन में ही उनका प्रेम, कृष्ण में प्रेम नहीं, राधा में प्रेम नहीं, राधा कृष्ण का जो प्रेम बंधन है वो प्रेम बंधन का ही वो रसास्वादन करती है, प्रेम बंधन कर। हित हरिवंश जी हुए, हित हरिवंश जी
वृंदावन धाम वाले, वो राधा रानी के भक्त थे। बस श्री राधा रानी बहुरानुनंदिनी के ही भक्त थे। कृष्ण को आदर कर मानते तो किस लिए मानते? बोले हमारी स्वामिनी, हमारी श्री स्वामिनी श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी वृषभानुनंदिनी के वो प्रियतम है, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा धर्म है। जो हमारी स्वामिनी के प्रियतम है, प्राणनाथ है, उनका सम्मान कर्तव्य बुद्धि से अपनी स्वामिनी के प्रियतम में प्रेम करते हैं, उनका प्रेम शुद्ध रूप से राधा रानी। इसलिए कहते मेरी प्राणनाथ श्री राधा शपथ करो जन सियो, शपथ करती हूँ अपना अंचल स्पर्श करके मैं शपथ करती हूँ, मेरी प्राणनाथ श्री राधा, मेरी प्राणनाथ श्री राधा रानी। वो राधा रानी के ही अनन्य भक्त है और राधा रानी की परिचर्या में रहती है। राधा रानी और कृष्णचंद्र परमानंद कंद की मंगलमयी लीलाओं का संभाल करती हैं, साज करती हैं। दोनों मूर्छित होते हैं तो दोनों को संभालती हैं, प्रेमानंद में दोनों निमग्न होते हैं उनको सावधान रखती हैं, सुरक्षित रखती हैं। ये सब होते हुए भी सखी भाव की है। ये तो हरिवंश जो है वेणु बंसी रूपा सखी मानी जाते, बंसी रूपा सखी, तो वो शुद्ध सख्य भाव होती है। उनमें कभी भी कृष्ण के प्रति भी काम वासना नहीं। इतरत्र तो काम वासना होने की कल्पना भी क्या हो सकती है। कंद अनंत कोट कंदर्प दर्प दमन पटियान भगवान कृष्ण में भी जिनको काम भावना है, इनके समान त्याग किसका हो सकता है। तो बोले ये सब क्यों, ऐसा क्यों है? एक समाधान है इसका। इसका समाधान ये है कि जैसे कल्पलता को पानी दे देने से कल्पलता के पल्लव और पत्रों को पानी अपने आप मिल जाता है, उसी तरह से राधा रानी बृषभानुनंदिनी रूपी कल्प बल्ली के ये सब शाखा उपशाखा पत्र पुष्प पल्लव ये सब सखियां राधा रानी बृषभानुनंदिनी रूपा कल्प बल्ली के वो सब पल्लव है, पत्र है। इसलिए राधा रानी के ही श्री कृष्ण संस्पर्श से उनको सबको श्री कृष्ण संस्पर्श का सुख मिल जाता है। राधा रानी को जो कृष्ण संस्पर्श प्राप्त होता है, राधा रानी के कृष्ण संस्पर्श से ही उन सबको कृष्ण संस्पर्श प्राप्त हो जाता है। अलग से उनको कृष्ण संस्पर्श की अपेक्षा नहीं है, जैसे पल्लवों को पत्रों को अलग से पानी की अपेक्षा नहीं है, जैसे गोपांगनाओं को अलग से श्री कृष्ण संस्पर्श की अपेक्षा नहीं। इस तरह से वो तृप्त है, अत्यंत तृप्त है। और इस प्रकार से ये इनमें अवान्तर भेद, तो यहाँ पर इनकी बड़ी अंतर्मुखता, तो इसलिए कृष्ण भी इनको प्रसन्न रखने के लिए तो जो सा काम है उसका तो कामना पूर्ण करके उसको प्रसन्न कर दे। जो सकाम है उसकी तो कामना पूर्ण करके प्रसन्न कर दे, पर जो निष्काम है आत्मकाम पूर्ण काम आत्मा राम निष्काम है और परम भक्त है, तो उनके संबंध में सोचना पड़ता है भगवान को भी, इनको क्या करें, इनको कैसे इनका किस प्रकार से हिताचरण, किस प्रकार से इनसे प्रेम करें। ये बात इस प्रकार से इन गोपांगनाओं के अनेक भेद हैं। बुद्धि रूपा राधा रानी भगवान नंदिनी, वृत्त रूपा गोपांगना, उधर जो है तत्वमस्यादि बात के रूपा ब्रजभान नंदिनी, इतर सेतु रूपा गोपांगना, इसी प्रकार से जीव में भी हिरण गर्भाधिष्ठात्री महाशक्ति, हिरण गर्भाधिष्ठात्री महाशक्ति, अभ्याकृता अधिष्ठात्री महाशक्ति, ये जो है सो राधा रानी है। इतर जो तत्व दृष्टि जीव है, दृष्टि जीवाभिमानी, दृष्टि जीवाभिमानी तत्व शक्तियां, वो सब गोपांगना। इसी प्रकार से इनमें अवान्तर सर्वत्र संगति लगा लेना चाहिए। तो इस दृष्टि से यहाँ प्रकृति रूपी गोपांगना है और वो जीव को प्रकृत मनुष्य रामा, तो वो जो जीव है
जीव को ही वही दूत संकल्पित हुआ प्रिय प्रिय प्रस्थापित दूतम के परिकल्पित हुआ तो प्रिय माने पर प्रेमास्पद प्राणी के निरुच्छेद निरुपाधिक पर प्रेम का आस्पद जो भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु उनके द्वारा प्रस्थापित प्रेषित प्रवेशित अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आदि कोशों में प्रवेशित प्रेषित प्रस्थापित जो दूत है कौन आत्मा जीवात्मा अंतः मने आत्मना तीर्थ देवता प्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि तेज अप अन्न इन तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर जीव रूप से तेज अप अन्न रूप तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर नाम रूप का व्याकरण करूं वही जीव दूत उसी जीव रूपी दूत को देखकर समझकर इदम अब्रवी बोली हे मधुप कल सब वर्णन किया उतना समझ लेना है? माने विषय रस पारायण हे मधुप विषय रस रूपी मधु को पान करने वाला विषय रस पारायण मधुप और तू अखंड आनंद सच्चिदानंद घन का पर ब्रह्म स्वरूप ये जो गड़बड़ी हुई है तू कर्ता भोक्ता सुखी दुखी होकर अनेकानर्थ परिप्लुत होकर भवाटबी में भटक रहा है इसलिए कि तू कितो बंधु हो गया कितो बंधु हो गया कितो कितव चित्तम चित्तई कितव है सठ है ये तुमसे ही सत्ता प्राप्त करके तुमसे ही स्फूर्ति प्राप्त करके और तुमको ही विषयों का प्रलोभन दे करके और संसार दावा नलज ज्वाला माला में तुमको डाल दिया इसलिए चित्त कितव है सठ है उसके तू बंधु बन गया है कितव का साथ चित्त का साथी बन गया है ना जीव जीव चित्त का साथी बन गया चित्त का अनुसरण करता चित्त जो कहे सो करता चित्त जो कहे वही जीव करता मन जो कहे वही जीव करता ध्यायतीव लेलायतीव बुद्ध ध्यायंत्यम ध्यायतीव बुद्धि ध्यान करने लगती है तो आत्मा भी ध्यान करने लगता है बुद्धि लेला खेला बिलास में लग जाती है तो आत्मा भी लेला खेला बिलास में लग जाता है बुद्धि का अनुसरण करता चित्त का अनुसरण करता चित्त का अनुसरण करने से ही ये कर्ता भोक्ता बन गया सुखी दुखी बन गया अनेका नर्स पर उपलब्ध भवातभी में भटकने वाला बन गया चित्त का संग छोड़ दे तो बस कहते हैं चाह चूड़ी चाह चमाड़ी चाह नीचों की नहीं तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच तू पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती तो चाह किसका रूप है चित्त ही का तो रूप है काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा रिधि इत्येतत् सर्वं मन एव काम संकल्प श्रद्धा अश्रद्धा रिधि सब मनई सब मनई तो मन का आश्रयण करके मन के परिणाम भूत काम का आश्रयण करके इच्छा का अनुसरण करके जीवात्मा संसारी हो गया संसारी होकर भवाटबी में भटक रहा है तो परम कल्याणमयी करुणामयी भगवती श्रुति तत्वस्यादि रूपा श्रुति जीव को संबोधित करती हुई कहती है हे मधुप हे विषय रस परायण हे जीव तू शुद्ध सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का स्वरूप है तू अनेकानर्थ परिप्लुत भवाटबी जो भटक रहा है उसका हेतु है चित्त कितो बंधु कितो बंधु चित्त तादात्म्याभ्यास से अंतकरण के तादात्म्य अभ्यास से शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का आरोप होता है इसलिए तुम सावधान होकर विवेक परायण बनो बोले तो माँ कैसे विवेक परायण बने ये अन्योन्याध्यास कैसे छूटे चित्त के साथ अंतकरण के साथ जो आत्मा का अन्योन्याध्यास है वही संसार है आत्मा और अंतकरण का अन्योन्याध्यास जो है वही संसार है इसी के द्वारा सारा दुख सुख है सारी विपत्ति संपत्ति है ये अन्योन्याध्यास छूटे तब कुछ काम बने तभी मोक्ष भी होगा अन्योन्याध्यास कैसे छूटे बताओ माँ तो भगवती श्रुति कहती सपत्न्या स्पृशो जो सपत्नी है मने माया माया जो है अविद्या
तत्वा नत्वा द्व्याम निर्भक्तो अनर्हा अविचारी तर्मणिया भाव रूपा अधिष्ठान ज्ञान विनशन शीला ऐसी जो माया है वो माया वही सपत्नी है। जीव जो है वो फुर्ती की तरफ चलता है तो माया उसको पकड़कर विषयों की ओर फेंक देती है। जीव चलता है श्रुति के साथ मेलजोल करने, वेद के साथ, श्रुति के साथ, वेद के मंत्रों की अधिष्ठात्री महाशक्तियों के साथ मेलजोल करने चलता है तो उससे छीन करके हटा करके वो माया जीव को संसार की ओर लगा देती है, इसलिए उसको सपत्नी कहते हैं। तो वो सपत्नी जो माया है, सपत्नी जो माया है उसका जो अंगरी है चरण, तो माया का चरण पकड़ करके माया का दास बन गया। जैसे कोई स्त्री जित पुरुष, ऐसा पुरुष हो जो स्त्री के द्वारा जित हो, स्त्री ने जिसको जीत लिया हो, अपना दास बना लिया, तो जैसे स्वामित्वम विस्मृत, स्त्री जित प्राणी अपने स्वामिता को भूल जाता है, मैं स्वामी हूं भूल जाता है, और उसका कई उसका किंकर बन जाता, कामिनी किंकर बनकर कईंकर जादे दुर्दशा को प्राप्त होता, कईंकर जादे दुर्दशा को प्राप्त होता। स्त्री का चरण पकड़कर, स्त्री का चरणानुसारी होकर और अपने स्वामित्व को भूलकर जैसे कईंकर जादे दुर्दशा को प्राप्त होता है। तू है तो माया का स्वामी है, तो तू ये माया का स्वामी है, क्योंकि तो सच्चिदानंद घर पर परमात्मा का कई रूप तेरा रूप है और वो परमात्मा माया का स्वामी है, लेकिन उस माया का स्पर्श करने से, माया का चरण स्पर्श करने से, चरण माने उसके अंश है, पाद है, पादों से विश्वाभूतानी, माया के भी पाद है, अंश है, तो एक अंश को ही माया के कण को भी छू लो, माया के अंश को छू लो, माने माया का चरण स्पर्श किया, माया का चरण स्पर्श करने से ही स्वामित्व भूल जाता है, अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठानता भूल जाती है, सर्वेश्वरता भूल जाती है, ब्रह्म ब्रह्म रूपता भूल जाती है, और उस माया का दास बन करके अनेकानर्थ परितोष भवाटवी में भटकने लगा है तू। इसलिए किसी बात को श्रुतियां कहती है, कौन श्रुतियां कहती है, द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरे कप्य परं स्वाद्वक्त नश्नन्नन्यो अभिचार कसीती। भाई प्रासंगिक की भी व्याख्या करनी आवश्यक है, खाली अगर शुद्ध सीधा इन श्लोकों का अर्थ करें हम तो कोई सुनने का अधिकारी नहीं, और लोगों की बुद्धि में अन्यथा भावना उत्पन्न हो जाएगी, कृष्ण के प्रति राधा के प्रति शुद्ध प्रेम भावना न हो करके अन्यथा भावना हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जे यह गावी चरित संवारे ते ही ताल चतुर रखवारे। तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरित मानस सरोवर जो हमने बनाया है इसके रक्षक कोई होने चाहिए, रक्षक नहीं, रक्षक हो तो फिर सूकर उकर आकर के इसमें लौटने लग जाए, सरोवर में कोई आ जाए, इसलिए इस ताल के चतुर रखवारे होने चाहिए। कौन जो संभाल कर इस चरित्र को गाते हैं, तो संभाल कर गाना माने इसका असर क्या पड़ रहा है, तो उल्टा तो असर नहीं पड़ रहा है। कथाओं का प्रयोजन है भगवत भक्ति की वृद्धि, भगवत प्रीति की वृद्धि, वैराग्य की वृद्धि, विवेक की वृद्धि और भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान, यही सब कथा का फल है। अब ये न होकर के कहीं राग की ओर प्रवृत्ति हो, कहीं काम की ओर प्रवृत्ति हो, तो गड़बड़ हो, उल्टा है कथा, उल्टी कथा का फल। तो अगर केवल मात्र सीधा षष्ठी पंचमी करके सीधा अनुवाद कर दें तो फिर काम का नहीं है, हानिकारक हो जाए, इसलिए उसका उपब्रह्मण करके
आर के साथ उसका विवरण करने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव नहीं। इसलिए ये बीच में श्रुत अर्थ भी, श्रुति पक्ष का भी अर्थ वर्णन करना अत्यंत उपयोगी है। हाँ, तो इस प्रकार से श्रुति कहती है कि वो जो सपत्नी माया है, तो क्या था वो करुणा से हुआ सिखाया, इसका मतलब ये हुआ कि जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा दोनों एक संसार रूपी वृक्ष की देह रूपी टहनी पर बैठे हुए पक्षी। ये संसार सारा वृक्ष, क्योंकि वृक्षनाथ वृक्ष जो हर समय कटता रहता है, छिन्न भिन्न होता रहता है, उसी का नाम वृक्ष। संसार क्षण भंगुर है, हर समय पिछला संसार खत्म होता चलता है, नया संसार आता रहता है। जैसे गंगा का पानी जो सवेरे था तो पटना पहुंच गए, अब जो आया काशी में तो दूसरा है। एक पानी नहीं है गंगा में, जिस पानी को देखते वो एक पानी नहीं है, प्रातःकाल वाली पाम पाम पानी दूसरा, इस समय का पानी, अरे क्षण क्षण का पानी दूसरा। गंगा जल में, गंगा के प्रवाह में क्षण क्षण का पानी दूसरा। पहला पानी आगे चला, पिछला पानी आगे आया, इस तरह से क्षण क्षण में दूसरा पानी। दीप की शिखा, दीप की शिखा क्षण क्षण में दूसरी। फिर तुम एक एक क्षण में पुरानी नष्ट होती रहती, नई नई पैदा होती रहती। तो जैसे दीपक की शिखा, दीपक की लाइट, दीप शिखा क्षण भंगुर है, क्षण क्षण प्रवाह रूप से नवनवायमान होकर आती है। इसी प्रकार से गंगा प्रवाह भी क्षण क्षण नवनवायमान होकर नया नया आता है, पुराना पुराना चला जाता है। इसी प्रकार से संसार क्षण भंगुर है, माने सरिताओं के प्रवाह की तरह, दीपक की शिखा की तरह संसार भी एक नहीं है। एक क्षण में जो था वो दूसरे क्षण में नहीं, नया नया संसार नया। इसीलिए बौद्ध कहते वैराग्य पैदा हो जाएगा, एक ही वस्तु हो तो उसे आनंद मिला, याद आएगा भाई इससे आनंद मिला, इसको फिर पकड़ो, इससे आनंद मिला इसका फिर अनुसरण करो। बौद्ध कहता है जिससे आनंद मिला वो तो कहां का कहां खत्म हो गया, नष्ट हो गया, दूसरी चीज है। इसलिए संस्कार नहीं है, संस्कार न होने से राग होने का कोई प्रसंग नहीं उठता, क्योंकि क्षण भंगुर संसार, क्षणिक संसार क्षण क्षण में विनष्ट होता रहता है। इसमें इसलिए जो पहला उपकारक संसार तुम्हारा, तुमको सुख देने वाला, आनंद देने वाला वा संसार चला गया, ये दूसरा है, नया है, तीसरा है, चौथा है आया। इस प्रकार से क्षण क्षण में विनश्वर होने वाला संसार वृक्ष है। इस वृक्ष पर शरीर टहनी शाखा, इस पर रहने वाले जीव परमात्मा दो पक्षी। जीव परमात्मा दोनों दोनों विषम नहीं है, सम विषम नहीं है, सम, क्योंकि दोनों पक्षी, दोनों पक्षी कौन पक्षी है, हंस पक्षी। जीवात्मा भी एक हंस है, परमात्मा दोनों हंस है, हंस पक्षी।